शंकर, ये आंटी के मायके जाते ही अंकल को पार्टी करने का भूत क्यों चढ़ जाता है भाई? क्या पता, मैंने तो कल ही छोड़ दी। अच्छा चल, वो आ रहे। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, आज जाम टकराएंगे। ग्लास धो के ला रहे। अब ग्लास तू भरेगा या मैं वेटर बन जाऊं? टिप देना पड़ेगा। ये तीनों के तीन ग्लास। बेटा, तुझे कितना कुछ कहने का मन करता है मेरा, पर दो घड़ी बैठ के कभी मेरी सुनता ही नहीं है तू। इतनी जल्दी चढ़ गई क्या? बोलने देना बेटा। हाँ बोलो। शिक्षा के नाम पे सिर्फ एक ही चीज सीख पाया, ऑटो चलाना। उसे ही आमदनी का जरिया बना लिया। तब से लेकर आज तक मन मारता रहा, तकलीफें सहता रहा, पर हार नहीं मानी। तेरी माँ को सलाम है। तू पैदा हुआ, फिर तेरी बहन हुई, जिंदगी एकदम सही चल रही थी अपनी, सपने के माफिक, सूखी रोटियों से पूरियों तक आ गए थे। तेरी माँ ने घर को स्वर्ग बना दिया था। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने मेरी खुशियां छीन ली। मेरी बच्ची, उसे अपने पास बुला लिया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान, मेरी फूल सी बेटी थी, उस दिन से मेरी और तेरी माँ की हर खुशी तुझसे शुरू और तुझ पे खत्म। तुझे पढ़ाने का सपना देखा, बड़ा आदमी बनाने का। बरसों पहले इसकी माँ ने बोला कि सुनो, मेरे लिए एक सस्ती सी पतली सी सोने की चेन बना दो ना। उसके लिए मैंने 4 घंटा रिक्शा एक्स्ट्रा चलाया, बीसी चालू की चेन के पैसे जमा किए। एक दिन बोला, चल सुनार के पास चेन लेने चलना। तो बोली, पहले अपने लिए खुद का रिक्शा खरीदिए, भाड़े पे रिक्शा बहुत चला लिया, अब अपना चलाओ। तो मैंने रिक्शा ले लिया। मेरे लिए उसने अपनी इच्छा मार दी, पर मैं जिद पे अड़ा। फिर कड़ी मेहनत की, बीसी चालू की और पैसा जमा किया, ले गया सुनार की दुकान पे और बोला, जो चेन चाहिए ले ले तू। पता उसने क्या किया? बोली, मेरा बेटा पड़ोस में झांक झांक के टीवी देखता है, आप टीवी लो, वो घर में देखेगा। तब टीवी महंगे थे, अभी जैसे झोपड़े में होते हैं ना, वैसे नहीं था, लोन में भी नहीं मिलता था, फिर भी तेरे लिए खरीदा था। टीवी टीवी टीवी, बच्चे के लिए टीवी खरीदवाया उसने। फिर अपनी चेन की इच्छा मार दी, दूसरी बार मार दी, पर मैं अड़ा रहा, चेन तो दिला के रहूंगा। फिर से पैसा जमा किया, उसको सुनार के सामने खड़ा कर दिया, पर वो कहने लगी, रोज मेरा बेटा कॉलेज पैदल जाता है, अगर ये चेन ले ली तो मुझे गले की जंजीर जैसी लगेगी। फिर उन्हीं पैसों से इसके लिए बाइक बुक कराई मैंने। बोल, दिलाई थी ना बाइक, दिलाई थी ना। शुरू से कुर्बानी देती जा रही है, देती जा रही, वो भी हंसते हुए। शादी करने के बाद मुझे सुधारने में उसने जिंदगी लगा दी, और अब अपनी बच्ची बच्ची कुछ ही जिंदगी बेटे को सुधारने में लगी हुई है। तू अपनी माँ से कितना प्यार करता है मालूम नहीं, पर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, जान से भी ज्यादा, कसम से। जब तक जिंदा हूं ना, तेरी हर बात मानूंगा मैं, जो भी कहेगा। दुख को तेरे पास भी नहीं आने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। पर कल को अगर मैं मर जाऊं तो तुम माँ से कोई काम मत करवाना बेटा, उसे बिठा के खिला देना, ये एहसान कर देना। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, माँ से घरों के बर्तन मत मंजवाना, इतना कमा लेना कि माँ का ख्याल रख सके तू। उसने हमारे पीछे जिंदगी लगा दी, सब कुछ हम पे लुटा दिया, उसको संभालना, ध्यान रखना अपनी माँ का, संभालना उसे। चाचा एक राइस प्लेट। ठीक है बेटा। ए बंटा, ये खाना है कि उल्टी? ए बुड्ढे के बाल, चावल किसमें उबाला, घास प्लेट में के फिनाइल में?
गुलाब लगवाएगा क्या? नल्ले बावर्ची, ये उल्टी बेचना बंद और कल से रेकड़ी भी बंद। इधर कल से दिखना नहीं। रेकड़ी नहीं चलेगी तो सांसें कैसे चलेंगी? रेकड़ी चलानी है या सांसें? रेकड़ी या सांसें, दोनों में से एक ही चलेगा। ठीक है बेटा, जैसा तू कहता है वैसा ही होगा। अरे क्या कर रहे हो? मत बेटा। चल बे कांडी शेंडी बाटला होटल। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा मत करो। वनटास मार देना वरना रेकड़ी की अर्थी बना दूंगा। अनाज की गोली देता है। सड़क पे 5 स्टार का खाना चाहिए तेरे को। अबे तू जवानी में हराम की खा रहा है और वो बुजुर्ग है सुमर में भी मेहनत की खा रहा है खजुए। दो बुजुर्ग लोगों का धंधा चौपट करते हो, शर्म बेच खाए क्या? इधर लोग धर्म प्रांत औकात हर भेदभाव भुला के पेट भर खाना खाते ताकि दुनिया से जूझने की ताकत शरीर में रहे। खाने की ऐसी सस्ती जगह बंद हो गई तो पापी पेट कितने पाप कराएगा मालूम है तेरे को? इसकी तो मैं ये लोग सुबह 4 बजे उठकर पहले सब्जी काटते हैं, फिर मसाला बनाते हैं, फिर चावल उबालते हैं, फिर अपनी रेकड़ी को 10 किलोमीटर पैदल थक्का देकर यहाँ हम जैसों का पेट भरने आते हैं। इन्हें रोकेगा तू? छोड़ो ना भाई, लफड़ा नहीं चाहिए अपने को। अन्न की इज्जत करना सीख। कितना नुकसान कर। आओ काका उठा दे। सब तोड़ फोड़ गए। इंसाफ करेगा अब करना। यही तो प्रॉब्लम है, दुनिया में कानून हर जगह है पर इंसाफ कहीं नहीं है। ए! उल्लू का पट्टा। कायर है साले, तू एक तो पीछे से वार करता और खुद को बड़ा गुंडा समझता। तू डरपोक साला, फट्टू है ये फट्टू, साला पीछे से वार करता है। ओए शटर ऊपर कर फावड़े, खुल जा सिमसिम, बोलने पे नहीं खुलता। बहुत मुश्किल से किडनैप करके आया हूं। चीकम चीक सुने बिना खोलता क्यों नहीं? ये नींद में डर के टपक जाता तो। जा कुल्ली कर, बॉस आ रहा है। बॉस आते ही होंगे, टाइम पास बंद कर, चल जल्दी। देख कितने सारे लोग किडनैप करके लाया हूं, बॉस एकदम खुश हो जाएंगे।
अनवर अनवर, क्या बच्ची तू भी, फोन काय को नहीं उठाता? अपुन तेरा नंबर ब्लॉक कर डालेगा। कैसा आदमी है यार, कल अपना बड़ा राड़ा हो गया था मालूम, वो छोकरे लोग बवाल मचा देते अगर टाइम पर पुलिस नहीं आती। अरे मेरा नहीं दारू का कसूर है रे। चल गाड़ी साफ कर। सलाम, कैसे भाई? धंधे के टाइम पे फैले क्यों हैं ये लोग? रात को फोन से चिपके रहते हैं, सुबह बिस्तर से 5 मिनट बोलते हैं, उठते नहीं। ए, रात भर साले साउथ डब पिक्चर देखते रहते हो, तुम सबको गरम तवे पे बिठाकर 2 चमाट लगाऊंगा। उठाओ अपने कुल्हे। अरे बाप रे। अपुन के लिए नाश्ता ला, जाके थोपड़े धो लो रे। ए, जा रहे नहीं तो दूंगा एक। ठीक है भाई, बैठो बॉस। वो पहला हौला लक्ष्मी नारायण साला ऑक्सीजन पे नहीं उधार पे जिंदा है। अपनी शादी के वास्ते उधार लिया, बोला दहेज मिलेगा तो सुलटा लूंगा, पर हौला साली के साथ पकड़ा गया। भाई तुमको लिख के दे रहा हूं मैं, पैसा वापस नहीं करता कल्टी मार लेता हूं। इससे तो एक एक पाए वसूलूंगा देखना। बाजू में दूसरा नमूना, गगन गुप्ता, इसको छोकरी लोगों की दुखती नस मिल गई। बड़ी गाड़ी तो सेटिंग के वास्ते गाड़ी भाड़े पे लिया, ओनर बोला चिच्चा 6 महीने से भाड़ा भी नहीं दिया उसको, वसूली का काम अपने को दिया। ये लुखे दूल्हे की सुपारी दुल्हन ने दिया गर्लफ्रेंड ने। ये शाह सेठ का फड़फड़ाता चिराग है, लोगों के पैसे खाकर करोड़ों की शादी कर रहा था, घोड़ी चढ़ते हुए घोड़ा दिखा दिया मैंने। अब अपन लुटेरे को लुटेंगे क्या? वो दोनों कौन है? वो अपने को ज्ञान दे रहा था, स्कूल में ज्ञान देने वाले टीचर की पुंगी बजाए तो इसको क्या छोड़ेंगे। ये किन फुकरों को उठा के लाया भी? अरे तुमको मालूम नहीं भाई इसने क्या मचान मचाया, जैसे महंगाई काबू में नहीं आती वैसे ये भी नहीं आता। और वो नंगा, उसने तो हादी कर दी। चटका। ए, क्या राड़ा किया रे तुम लोग? तुम बोले ना भाई, किसी बहाने वो भिंडी नगर की रेड़की का धंधा बंद करवाने का, वही तो करने गए थे। पानी, गला बहुत सूखी। थूक का घूंट पी ले, समझा क्या? इसको जानता है क्या? दोस्त है भाई, इसे सब बड़वा रास्कल बुलाते हैं। बड़वा रास्कल बोले तो एक गरीब छिछोरा, एक नंबर का बेवड़ा है, और दारू तो साला किसी के भी साथ शेयर नहीं करता। शंकर बेटा अकेले बैठ के सिर्फ आंसू पीते हैं, दारू नहीं पिया करते हैं बेटा। मेरे को 90 पिला दे, मैं तेरी 100% परेशानी चकना खाते हुए सुलझा दूंगा। मैं पहले बेवड़ों का ट्यूशन चलाया करता था, छोकरी नौकरी कोई भी परेशानी हो मुझे पिलाने वाले की टेंशन गायब। शाम होते ही बाटली खोलने वाले तो कामगार होते हैं, पर दिन दहाड़े पीने वाले बेरोजगार होते हैं। ए शंकर, कब तक घर वालों पे बोझ बना रहेगा तू? सुबह बीवी से रो के खर्ची मांग रहा था ना, देखा मैंने तेरे को, तेरा खर्चा वही चलाती है ना। किधर लिखा है कि खर्चा सिर्फ आदमी दे सकता है? ये भी किधर लिखा है कि बेटी से मॉल में 8 घंटा एड़ी घिसवा के फिर उसकी पगार खा जाओ? लड़कियों को भी कमाना चाहिए पर बेवड़े बाप के लिए नहीं, इसलिए मेरे को मत सिखा, निकल यहाँ से। बड़े से जबान लड़ाता है, तेरे बाप को बोल दूंगा मैं। ए, जाना बोल, मैं नहीं डरता। शंकर 90 नहीं तो 30 पिला दे। ये शंकर को ना हर आदमी के काम में टांग अड़ाना पसंद है। ए शट अप, तू ऑनलाइन होके भी रिप्लाई नहीं करती थी। तू डीपी नहीं देखा मेरा? मैं तेरे लिए रोज डीपी चेंज करते रहती थी। तू 12 नंबर वाले अमर की बेटी है ना? हाँ, उन्हीं की। ए, और तू? ब्रदर, अपन कांचपाड़ा के लड़के को मारे थे, भूल गए क्या? खुद की बहन को ही पटाया तो तू उसको मारा, अभी तेरे अंदर का भाई क्या क्वारंटाइन हो गया? इसका रिश्ता लेके तेरे घर पे आऊंगा। ऐसा मत करना प्लीज। बचपन में सॉफ्ट टॉयज के साथ खेलते हो, बड़े होते ही लॉन्डो के दिल के साथ। ये गले पड़ गया तो कहीं जाकर पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ले, रिचार्ज के लिए बॉयफ्रेंड नहीं पालने का, समझी? इनके चक्कर में पड़ी तो तेरा भेजे का कीमा बना देंगे। और मेरा हंटर, कार्टून देखने की उम्र में इसको इसकी डॉक्यूमेंट्री मत दिखा, समझा ना? कल्टे दोनों को बचा लिया, पुण्य कमा लिया। ओए चल मेरे साथ। किधर?
तू कम ना यार। हेलो। हाँ लोन लूंगा पर चुकाऊंगा नहीं, चलेगा क्या? एक बात पूछूं? पूछ। तेरी नजर खराब है पर आंखें नहीं, फिर चश्मा काय को पहना? स्टाइल है, लेडीज बोलेगी ये जेंट्स एकदम इंटेलिजेंस होएंगे। अबे काय को अंग्रेजी की चाची ताई एक करता रहता है तू। ए रघु मैं जा रहा हूँ, मेरी नहीं सुनती तो मैं क्यों सुनूं? तेरी माँ मेरे को नहीं रहने का इस घर में, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। अरे सुन रे, गरम काय को है रे, क्या बोलूं? क्या काकी, 9 महीने की दुहाई देकर रोज 9 बार पीटना जरूरी है? हाँ, इसे प्यार की भाषा नहीं आती है, बोलता है नई स्कूटी दिलाओ नहीं तो घर छोड़ के चला जाएगा नालायक। स्कूटी नहीं, मेरे को बाइक चाहिए। देखो वो बाइक जिसमें पिछली सीट ऊंची होती है पता है वो 1.5 लाख की आती है। दिन रात लोगों के बर्तन घसूंगी ना तब भी इतना पैसा जमा नहीं होगा। पूछ इससे अपनी किडनी बेच के बाइक दिलाऊं? बाइक पे धतिंग करने का है? काकी जो अपने 2 पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया 2 पहिए पैसे तो पक्का गिरेगा, हॉस्पिटल को बिल बढ़ाएगा। हो गया टाइम पास, चलो। क्या सैंपल है रे ये, पूरा टाइम टल्ली और दूसरों को अच्छाई का चूरन खिलाता है, क्या चीज है रे ये? एक्चुअली इसका दिल मोमोज जैसा सॉफ्टी है। एक दिन तो अपने एरिया में बहुत बड़ा इमरजेंसी है तो मैं तुरंत इसे बुलाने गया। अबे खुद को भाईजान समझता है, हेमलेट पहना पर कपड़े नहीं पहना, नंग धड़ंग घूम रहा था। अरे क्या आदमी है रे तू, इतनी इमोशनल कहानी सुना रहा हूँ तुझे कपड़ों की पड़ी है? चल सोच ले मैंने कपड़े पहने थे बस। सुबह के 10 बजे थे, मैं शंकर के घर भाग के गया। शंकर उठना, उठना यार, विक्की ने आत्महत्या कर ली है। विक्की हमारे बचपन का दोस्त था, गर्लफ्रेंड के चक्कर में खुद को बलिदान दे डाला बेचारा। मैंने सोचा था तू बाकी की लड़कियों की तरह नहीं होगी पर तू वैसी ही निकली। पैसे वाला रिश्ता मिला तो चबाए च्युइंगम की तरह मुझे थूक दिया और इतने आसानी से इतने सालों का प्यार भूल गई। जीने के लिए प्यार नहीं पैसा चाहिए। तुझसे थोड़ा वक्त ही तो मांगा था ना, तेरी खुशी के लिए जमीन आसमान एक करके मेहनत करता पर तुझे तो रातों रात इच्छाएं पूरी करनी है। बहुत मतलब ही निकली रे तू तो, तुझे इंसान नहीं सब दौलत चाहिए। चल रे फोन रख, तू बस हमारी फोटोज डिलीट कर रही है। मेरी जान की नहीं फोटो की पड़ी है। जब हम मिले नहीं थे तब जिंदा था ना तू, ड्रामा बंद कर और फोटो डिलीट कर। शंकर मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया। माँ के हाथ का खाना खिला के शरीर से तो मजबूत बना दिया पर सोच को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करते घर वाले। विकी तेरी जान इतनी सस्ती नहीं थी यार। हम जिन बातों को जिंदगी समझ लेते हैं वो जिंदगी नहीं, जिंदगी का हिस्सा होती है, आती जाती रहती है। दुख कोई शर्मनाक चीज नहीं जो छुपा लिया। एक बार फोन कर लेता तेरे दुख को कम नहीं कर पाता पर तेरे साथ उससे लड़ता। खजूर उससे अकेले लड़ने की क्या जरूरत थी? प्यार की खातिर शहीद हुआ ना तू है? चलो रे, आशिक का जनाजा है, शान से निकालेंगे। ओहो, बोले तो यारों का यार है तुम्हारा दोस्त? हाँ बिल्कुल है, ये दोस्ती के लिए जान भी दे सकता है, समझा क्या? और काम वाम कुछ करता है नू कि दिन भर यहीं पे लफंडरगिरी करता रहता? एक्चुअली मैं विशाल के बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, तू चलेगी? नहीं यार सॉरी, रात को देर तक रुक नहीं पाएगी ना। हाँ। यार आजकल कोई भी उठाई गिरा ब्रांड का फेक चश्मा स्टाइल से पहनते हैं, देखो साले ड्राइवर खुद को हीरो समझ रहा है। बाइक तेरी है? हाँ मेरी है। काम के समय इधर लुखागिरी कर रहा है मतलब पक्का बेरोजगार है, जरूर बाइक की ईएमआई तेरा बाप भरता होगा। अब जरा ये सोच
तू बस में भी सफर कर सकता था, लेकिन स्टाइल मारने की हवस में बाप के 1.5 लाख रुपए भूख डाले। माँ को लाट दिखा के पेट्रोल का झोल करता है और बाप से पॉकेट मनी लेकर शौक पूरे करता है, क्योंकि ये तो पैसे निकालेगी नहीं। तो तू अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहा है और ये तेरे टुकड़ों पर, फिर भी खुद को हीरो समझ रहा है। और जिसको तू जीरो समझ रहा है उसने खुद के दम पे पूरी गाड़ी ले रखी है जो उसकी जरूरत है, अय्याशी नहीं। बारिश में छत और गर्मी में एसी की हवा देती है। भटकता तो तू भी है, पर इसका भटकना कमाई कराता है। इतना कि ईएमआई भरने के बाद भी बहन की शादी के लिए भक्कम पैसा बचाया है इसने। आज की तारीख में तेरे से ज्यादा औकात है इसकी। माना हीरो नहीं है, पर काम उससे कम नहीं करता है। सारे बड़े लोग ना छोटे काम करके बड़े बने, क्योंकि उन्होंने उसे छोटा नहीं समझा। 200 कमाए या 2 लाख फर्क नहीं पड़ता, ईमानदारी से कमाना चाहिए, नहीं तो कर्मा ना सामने आके नाचता है। Actually, I told him not to talk like this, but he doesn't listen to me, sir. मैडम, हिंदी में बात करने का, अंग्रेजी में गरीब है मैं, लेकिन मातृभाषा पर आई तो मेरे से अमीर कोई भी नहीं है। मतलब ऑटो वाला है ना? अरे ऑटो तो उसके बाप का है, जब पैसे चाहिए ना तभी ऑटो चलाता है वो। अरे तो काम क्या करता भाई? कैसा है, आराम से याददाश्त तो नहीं गई ना? सुनो भाई, थोड़ा पानी तो पिला दो। पानी चाहिए तो 20 रुपए निकाल। अबे पैसा इधर ही छूट जाएगा, पुण्य अपने साथ जाएगा। ए पावड़ा इधर आ, पुण्य कमाने का है, पानी पिला उनको। तू कुछ खाया क्या? भाई कुछ खाने को भी मिलेगा क्या? मिलेगा। तूने कुछ खाया? तीनों भी आ गया। तेरे को बोला था मेरे आड़े नहीं आने का। Yeah!
बंद करो। कौन है बे तू? अपन की दुश्मनी उसके साथ है, तू बीच में आने वाला कौन है बे? अबे मैं वो हूँ जिससे ऑटो में ग्राहक प्यार से बात कर ले तो उसको दोस्त बना लो। इसने तो प्यार से खाना खिला के पेट भरा, तो ये बंदा दोस्तों की लिस्ट में टॉप पे है। अब तो इसके सारे दुश्मन मेरे जानी दुश्मन है। नमक हरामी के जमाने में ऐसा वफादार दोस्त पहली बार देख रहा है अपन। ये काय की दोस्ती पे चूरन, तेरे को जानता तक नहीं मैं। ये पापड़ खटिया लेके आ रहे। लाया भाई। और तू दयावान, तेरे को लगता है मेरा पत्ता काट के मेरे बॉस से आगे निकल जाएगा औकात में रहने का? अबे पूरी जिंदगी अपुन इसी औकात में रहेगा क्या? सेठ ने बोला कि बजट अच्छा है तो अपुन ने सुपारी ले लिया ना, गलत किया क्या? और ऐसा मत बोल तुम लोग इधर दूध का धुला बैठा है क्या? अबे एक खट्टे डकार, तेरे सेठ ने मेरे बॉस को तेरी सुपारी दी है और तेरे को हम लोग की सुपारी दी है। मेरे बॉस ने बोला है कि तू जिधर भी दिखे उधर ही ठोक डालने का। अब बोल तेरे को टपकाऊं क्या? हाँ, एक टाइम पे अपनी करण अर्जुन की जोड़ी थी बोल के मैं चुप बैठा हूँ और तू अपने को ही हुल दे रहा है। क्या तुम लोग दोनों पहले दोस्त थे? स्कूल के दोस्त थे रे। पता एक दिन टीचर घर का गुस्सा खाली पीली इस पे निकाला और इसको सबके सामने इस धो डाला। आंसू इसके निकले लेकिन अपुन को दर्द हो रहा था। अपुन ने बोल दिया टीचर को अपुन नहीं छोड़ेगा। अपुन ने भंगार से कील लिया और टीचर के स्कूटर के सीट में छुपा दिया। उसके पिछवाड़े में इतने छेद हुए कि छन्नी बन गया। अगले दिन प्रिंसिपल ने अपुन को बहुत जाड़ा, बोले बेशर्मो तुम्हारी नींव मजबूत करने वाला टीचर की नींव हिला के रख दी तुमने। साला 6 महीने के लिए अपुन सस्पेंड हो गए। सस्पेंड होने का दुख नहीं हुआ? अब दोस्ती में काय का दुख होता है? कुछ देखा, यादें धुंधली हो जाती हैं पर उनमें जिए जज्बात जिंदगी भर ताजा रहते हैं। वही दोस्ती का जज्बा फिर से जागा ना, पर गोची कर दिया, दोस्ती को धंधे में मिला दिया। ये दोनों चीजें अलग रखने का। पैसा ना भाइयों को भी दूर कर सकता है, तुम लोग तो दोस्त हो। भूल चुक माफ, फोकट तेरे को तकलीफ दिया फिर भी अपने साइड से लड़ने के लिए खड़ा हो गया। सॉलिड। ए आज से अपना दोस्त है। मंजूर? मेरे को मंजूर नहीं है क्योंकि उसके साथ ये चिरकुट पैकेज में है। ए फटका, दुश्मन ने भी मांडोली कर डाला, तू काय को भुदक रहा है? भाई बोला दोस्ती करने का मतलब करने का, सवाल मत कर। ए भावड़ा सुन, वो ड्रम में दांत से छेद मत कर, पानी लेके आ जा। एक अंगी। हाँ भाई। वो तिकड़ी किधर गई? दो तो लड़ाई के टाइम ही कल्टी मार लिए, दूल्हा अभी तक बेहोश पड़ा है। वो अंटरपंटर को देख लेंगे, दूल्हे को लाके पटक इधर। ए मावा। हाँ भाई। चल साथ चल। क्या तुम लोग के नाम बहुत कड़क है, लगता है भाईगिरी में अतरंगी नाम के बिना एंट्री नहीं देते। और ये नाम नहीं है, लेबल है भाई। अब इसी को देखना, इसका लेबल है फावड़ा, क्योंकि इसके दांत फावड़े की याद दिलाते। छोकरा बेचारा बोल नहीं पाता। उसका असली नाम पूछो। तू बता। बादशाह। फावड़ा तू रैप तो नहीं कर सकता पर लिखने की कोशिश जरूर करना। अनवर। लेबल अनवर हिंदुस्तानी, हिंदी मेरी मातृभाषा है। मेरे को भी अपनी भाषा से बेहद प्यार है, सब फ्रीडम फाइटर्स की लाइन भी याद है मेरे को। ऐसा क्या? हाँ। जग्गी, लेबल, फटका, अक्के पिन कोड में कुछ भी हो पुलिस मेरे को फटका मार के ले जाती है, फिर पुलिस स्टेशन में ले जाके फटका दे, इसीलिए तब से ही अपना लेबल बन गया फटका। अपन संतोष, लेबल मावा। थोड़ा देख के समझ गया मावा काय को बोलते हैं। जैसे सुहागन की मांग हमेशा भरी रहती है ना, इसका भी मुंह मावे से भरा रहता है। चंदन, लेबल, चटका। छोटी छोटी बात पर अपन को चटका बहुत लगता था, इसीलिए सब अपन को चटका ही बुलाते हैं। वो तो तेरे को रेगड़ी पे देख के समझ गया था। दीपक, लेबल, कंघे। गंजे का नाम कंघी काय को? मैं बहुत कंघी करता था ना, उसी की वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। कृष्णा, लेबल, पापड़। मार्केट में कुछ हटके करेगा नहीं तो माल कैसे बिकेगा, इसलिए तेल लगाकर पापड़ बेचता था। बुड्ढा से लेकर बच्चा लोग सब मेरे पापड़ का फैन। सोचा एक आध दुकान और डाल दूं। एक दिन ना सारा माल बिक गया। मैं रुका हुआ था कि तेल ठंडा हो तो डिब्बे में घर लेकर जाऊं। उतने में 4 बेवड़े लोग दुकान में आकर टपक गए और पापड़ के लिए अपना भेजा खाने लगे। मैं बोला पापड़ खत्म हो गया है, बाजू वाली दुकान से वेफर का लो, मूड काय को खराब करते हो। तो एक अनाड़ी था, मेरे सर पर बोतल फोड़ा, तो मैंने उसका सिर पकड़ा और तेल की कढ़ाई में डाल के कुरकुरे बना दिया। हाँ, 2 साल के लिए मैं अंदर था पर बाहर आके जो इज्जत मिला वट हो गया मेरा। उसके बाद पापड़ तलने के लिए छोकरा रख दिया और वसूली करना नवा धंधा बन गया अपना। दूल्हे को होश आया क्या?
ये सब लोग एक तरफ है लेकिन इसकी स्टोरी खतरनाक है। ए मीठे चावल सुना ना। नाम नवीन, लेबल बोले तो डाउन टू अर्थ। अब देखो भाई, चोरी करना एक आर्ट होता है। अब सबकी नियत में खोट होती है, पर चोरी के लिए ना जुनून और गिरी हुई सोच चाहिए। कोई मानता नहीं लेकिन चोरों के दुनिया में ना बहुत उसूल होते हैं। जिंदगी में कभी अपन किसी की चीज चुराएगा नहीं, और जब किसी को जरूरत होगी अपन अपनी चीज दे देगा, समझा? वाह क्या बात बोला है। तब से अपन भाई लोग के लिए छोटा मोटा वसूली करता है लेकिन कभी किसी का हक नहीं मारता मैं, और इसीलिए अपना लेबल ये सब लोग डाउन टू अर्थ डाल दिए। ए, सबके ऊपर लाइट मारें, मेरे पे मारना लाइट। अबे इस तरफ देख। नीलकांत, लेबल एफडी। एफडी माफक तोड़ डालोगे तेरे को। मैं भाई, लेबल सिर्फ भाई। आपका कोई लेबल नहीं है क्या भाई? मेरे को लेबल की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ये दूल्हा कौन है? इसका बाप बहुत लोग का पेमेंट रोक के बैठेला है। उसके ऑफिस में छोकरे भेजे ना तो ऊपर से हुलपट्टी करने लग गया, इसीलिए बारात में घुसकर घोड़ी के साथ उठा के लेके आ गए इसको। घोड़ी का क्या करोगे? बाहर पार्क किया है, बच्चों को राउंड देके कमाएंगे ना। बाकी वसूली के लिए झंडू है ही, अगर इसके बाप ने नाटक किया तो पैसे के लिए इसके गुर्दे बेच डालूंगा। बंटा अपन लोग की अगली पिछली सुन ली तूने, पर तेरा लाइफ स्टोरी तो तूने सुना ही नहीं है। ये तेरे पंटर ने जो बताया ना उससे समझ में नहीं आ रहा है कि तू साधु है कि शैतान है। तेरा सीन थोड़ा खुल के बताना। धुआं उड़ाते बताऊं क्या? लेना मेरा नाम है बड़वा रास्कल का मतलब समझते हो? बड़वा रास्कल बोले तो ए गरीब छिछोरा। लेबल बड़वा रास्कल। लोग छोटे शहरों में बड़े सपने लेके आते हैं, पर एक बंदा बड़े शहर में छोटे सपने लेके आया था, मेरा बाबा विष्णु सेन। कुछ भी हो जाए पर दूसरी बीवी को सुबह की पहली चाय वही पिलाते हैं। ए, चल उठना, रात को मैं पौवा मार के भी उठ गया, तूने खंबा मारा था क्या? जाओ ना, धूप आ रही है, सोती रह। और ये है उनकी पहली बीवी ऑटो रिक्शा, और ये है मेरी माँ शारदा। अब माँ तो माँ होती है, उसकी क्या तारीफ करूँ। चाय चौथी बार गरम कर रही हूँ, तेरा बाप मुझसे ज्यादा ऑटो को चाहता है। अरे रुक ना, पोछा तो मार लेने दे। ओहो समझ नहीं आता, तुझसे पोछा लगवाऊंगी। अरे आज पहले प्रेशर आने में टाइम लग रहा। या अंकल, ये फूकना उकना छोड़ो, कसरत करा करो, पेट अंदर होइंग। अबे एक आदमी आगे टैंक पर भी बिठा लेना। हाँ ये देख, पीछे जो पंटर बैठा है साला बाल है कि चाउमीन। ए जल्दी से बाल कटा वरना मधुमक्खी छत्ता बना लेगी। लिख के ले ले, तुम लोग का कभी कुछ नहीं होएगा। जिस दिन तूने कुछ कर लिया ना तब जमीन पे सांप की तरह रेंग के मंदिर जाऊंगा मैं तेरे लिए। अंकल जल्दी आ। आ गया वो देख आ रहे ला। सुनो अंकल, एक दिन देखना आपको मेरे पे गर्व होगा। ए तुझे शंकर के साथ, और उस दिन ना अंकल आपको बाइक पे मंदिर ले जाऊंगा, रेंग कर जाने का कष्ट मत उठाना। बिगाड़ो मेरे बच्चे को, बन जाओ नल्ले। हमें गाली खिलाने के बाद बाबा खुद नाश्ता खाते हैं। पहले नाश्ता कर लो। ऑटो ज्यादा फास्ट मत चलाना, ध्यान रखना। हाँ गमछा इधर है, रिमोट है वो, ये लो वापस करो ना। अब चलता हूँ, आके मिलता हूँ तेरे से। ये है मेरे बाबा, घर से निकलते ही डायरेक्ट काम पर नहीं जाते, बेटे पर चुप है। पहले दोस्तों के साथ टाइम पास करते हैं, फिर जो शुरू होते हैं तो सीधा दोपहर में रुकते हैं। खाना पीना सोना सब टाइम पे चाहिए। मार्केट चलोगे? खाने में उनके कोई नखरे नहीं है, हाँ पर खाने के बाद झपकी लेना कंपलसरी है। उसके बाद फिर से धंधे पे लग जाते, थोड़ा टाइम पास भी करते। ये बाबा का फेवरेट दारू पीने का अड्डा है, सिर्फ इधर से पैक मारकर और चकना ठूसकर बाबा को संतुष्टि मिलती है। और हफ्ते में एक बार बगल वाले नुक्कड़ से बाबा रात को चॉकलेट जरूर लेकर आते हैं। चॉकलेट? तुम इतना बड़ा होकर रोज उनसे चॉकलेट लेता है? मुझे नहीं देते, बहन को देते हैं। थक गया हो रे आज मैं। इतने खचाखच ट्रैफिक के अंदर लंबा भाड़ा ढूंढने के लिए रिक्शा चला चला के उंगली जाम हो जाती है, सच बोल रहा हूँ। पर रोकड़ा भी अच्छा मिला है, पूरे 1700 रुपये लेके आया। हाँ बस खाली एक महीना रोज इतना रोकड़ा मिले ना तो मैं बीसी डाल दूंगा फिर से। बीसी निकलेगी तो तेरी माँ को सोने की चेन दिला के उसे खुश कर दूंगा।
इस घर के लिए बेचारी ने अपनी जिंदगी लुटा दी। हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाती रही, अपने मन को मारती रही ताकि मेरे को कभी भी टेंशन नहीं हो। सॉरी यार, मेरे को बहुत फील होता है। अरे हा? तेरी चॉकलेट भूल गया क्या? ऐसा कैसे होएगा? ये देख, ये ले, भाई को मत बताना। बचपन में ही मर गई थी। ओहो हो, एक हाथ में फोन, दूसरे में रिमोट। तेरे तो मजे है यार। ए, खाना ले क्या? ला रही हूँ। ए, ये अकेला नहीं है इस टीवी का मालिक। नजर फोन पे है और चैनल बदल रहा है। मैं भी कार्टून बीटून देखूंगा कि नहीं। ओहो, कलेश करना जरूरी है क्या? अरे उसको समझाना। तुम सौतेले बाप हो क्या? जब देखो तब बस ताने मारने लग जाते हो। दुनिया में और बाप नहीं कमाते हैं क्या? दिन भर काम करो और रात में इनकी झिकझिक सुनो। ओहो, पता है, पड़ोस की औरतों के साथ चुगलियां करना, गप्पे मारना, ये सब मेहनत का काम है क्या? मेरा ऑटो आता देख के तू रसोई में भाग जाती है, बर्तन इधर उधर फैला के नाटक करती है जैसे सुबह से रसोई में ही है। सोचे समझे मुंह मत खोला करो। घर पे टाइम दिया है कभी तुमने? ऑटो चला रहे हो, देश नहीं चला रहे हो तुम। अच्छा, बाकी सब काम तो छोटे है, सबसे बड़ा काम है इस उड़द दाल को बनाना है ना। अगर दो दिन में हड़ताल पे चली गई ना तो नानी याद आ जाएगी तुम्हें, तुम्हारी याद रखना। गुस्सा तो देखो इसका, माँ और बेटा दोनों को सीधा कर दूंगा मैं, याद रखना। कल से खुद पकाना और खा लेना, मेरी जान छोड़ो। हर रात माँ और मेरे से लड़ने के बाद बापू पड़ोस में रह रहे बुड्ढे के साथ टाइम पास करते हैं। तेरी बातों से पेट भर गया चाचा। अरे हाँ बोल बेटा। कब तक जिएगा? जब तक पोतों की शादी नहीं देख लेता तब तक नहीं बचने वाला है। इतनी रात को बच्चे को काय को हैरान कर रहा है? अरे इसके मम्मी पापा आज पिक्चर देखने गए हैं, इसलिए इसे मैं सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम खेलोगे क्या इसके साथ? ये औरत लोग की गुलामी अपन से नहीं होगी भाई। फुकट की नौकरी तेरे को ही मुबारक। अरे मेरा खून है ये, दिमाग कर रही हो गया। अपने बच्चे को संभाल बुढ़े। मस्त मिडिल क्लास फैमिली है तेरी, कितने प्यारे माँ बाप है। ऊपर से तू इकलौता है, तेरे पे जान छिड़कते होंगे, तो फिर तेरे को किस बात का टेंशन है? अभी कैसे समझाऊं? इतिहास गवाह है, हर कहानी में परेशानी खड़ी करने वाली लड़की होती है। कॉलेज के टाइम से अपना टाका भिड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा तो बहुत बार करते हैं हम लोग, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है, पर मेरे फुकरे दोस्तों से सख्त नफरत करती है। ऊपर वाला सौतन दे पर तुम जैसे दोस्त न दे जो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा चिपके हुए रहते हैं। हाय लगेगी तुझे मेरी। अरे मैं तो अभी आया, मुझे क्यों हाय दी? अच्छा वही जय, तेरी परेशानी? हाँ वही है। लाल सिर्फ प्यार या खतरे का नहीं, सिग्नल का भी रंग होता है। तेरे दिल में किसी को एंट्री मारने से रोकने के लिए सिग्नल सिंदूर। फिर भी कोई नजर डाला तो उसका मुंह काला कर देना इस काजल से। अपने बीच कोई नाक अड़ाया तो उसमें नथुनों के छेद के अलावा तीसरा छेद नथ से करना। दूसरे का अच्छा सुन के खुद दुखी ना हो, ऐसी बातों को दिमाग से वटाने का कान का फिल्टर। घरवाले कभी तेरी कलाई खींच के जबरदस्ती वबरदस्ती करे ना तो सटाक से हाथ खींच लेना, उनके हाथ चूड़ियां रह जाएंगी और तू फोर हो जाना। इस पायल की हनक हर करवट पे बजेगी, इसकी आवाज की वजह से कभी चोर घर में नहीं घुसेगा। तोहफा देके खोटा खुश करना ये सब अपन को नहीं आता, ये प्रपोज का शगुन है। हल्का आई लव यू नहीं, भारी संस्कारी वादा तेरे को खुश रखने का। जिंदगी भर मुझे झेलोगे? बर्थडे मुबारक हो। थैंक यू। सब कुछ मस्त जा रहा था लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब हम लौंडे अपनी हैसियत की ऊपर वाली लड़कियों के प्यार में पड़ते लफड़ा तो होना ही है ना। ओके आओ ना, क्या लोगी, ये खाओगी क्या? नहीं। ये बस 100 रुपए की है, तेरे बाप की दुकान है क्या? अबे चल बे झिंगोर, भाग यहाँ से।
मैं तो अपनी शादी भी मन में कितनी बार सोच चुका था, मस्त छोटी सी शादी करेंगे डायरेक्ट मंदिर में, फिर उसे अपने घर लेके जाऊंगा और फिर सारी रस्में पूरी करके हम दोनों हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। अभी तू खुश है, वो खुश है, तो सब सही है ना, फिर लोचा किधर है? अबे आगे सुन, लोचा ही लोचा है। देखो देखो वो रहा, ऑटोमेटिक नहीं चलता, चलाना पड़ता है। अब यहाँ मत शुरू हो जाना, तुम तमाशा हो जाएगा यहाँ। जा जा बिगाड़, ताने मत मारो। मैं क्या बोल रही थी, हम लोग ना बेटा दावत पे जा रहे हैं, तो मैंने फ्रिज में खाना बना के रखा है, गरम करके खा। माँ तू चोरों को काय को दावत दे रही है, सोना रिश्तेदारों के सामने भपा, सड़क पे नहीं। ये क्या महंगी चेन में सेफ्टी पिन लगाया तो वो सेफ हो जाएगी क्या? अरे सेफ्टी पिन के बिना कहीं नहीं जाती मैं, पता है ना तुझे। चल चलती हूँ। लोग की जुगलबंदी खत्म हो गई तो आप चले क्या? मत मारा कर, समझा ना? तो नहीं बताओ करता ये है बदनाम में। अरे देखा, इसे कहते हैं असली प्यार। मैं नकली प्यार? मुंह क्यों लटका है? टेंशन से दिल की नसों में गांठें आती हैं। ज्ञान सिर्फ बांटते हो, आजमाते नहीं क्या? तुमने कभी आगे का सोचा है? बर्बाद हो जाओगे उन सड़क छाप दोस्तों की संगत में। भलाई की सलाह में बुराई की मिलावट मत कर। सड़क छाप किसको बोल रही है? सच्चे दोस्त है। रात को बाइक बंद पड़ी तो टोचन देकर वो घर पहुंचाते, तू नहीं। क्योंकि माँ रात को टोचन देने जाने नहीं देंगी। बना दिया बहाना, सच्चे दोस्त ऐसा नहीं करते, मुसीबत के वक्त में ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। अरे कितनी बार तुझ पर खर्चा करने के लिए उन सभी ने दो टाइम का सुट्टा और चाय कुर्बान करके पैसे दिए। अच्छा तुम्हारे दोस्त इंसान नहीं फरिश्ते हैं, अब तो खुश हो ना? हमारे फ्यूचर के बारे में तुमने कभी कुछ सोचा है? तुम पढ़े लिखे हो, ढंग की कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? हाँ ये वह जॉब ही धोखा है, हिंदी में बोले तो नौकरी। जो करता है एक नौकर, मतलब मैं किसी की गुलामी करूं, किसी और को फैसला करने दूं कि मेरे वक्त की कीमत क्या होनी चाहिए ताकि वो अमीर बन सके, और मैं घर की ईएमआई गाड़ी की ईएमआई भरने के चक्कर में अपनी खुशियों को छोड़ के उसे खुश रखने की सोचूं, और दिवाली के फुद्दू से बोनस को जीवन दान समझूं, जिंदगी भर किसी के इशारे पे नाचूं। मुझे जिंदगी काटनी नहीं जीनी है, इसलिए मेरा बॉस मैं ही रहूंगा, ऑटो चला के कमाऊंगा। ऑटो चला के तरक्की मिल जाएगी क्या? अरे आज एक ऑटो है ना, कल को सैकड़ों ऑटो होंगे। कामयाबी मंजिल नहीं, एक सफर है। हर बड़े उद्योगपति ने सड़क से शुरुआत की थी, लेकिन आज देखो तरक्की अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करती। अरे कितने टैक्सी ऑटो वाले आज ट्रैवल कंपनी खोल के उसके मालिक बन चुके हैं। मुझे फक्र है मेरा बाप रिक्शा ड्राइवर है जो किसी का हक मारे बिना कमाता, और मैं भी वही करूंगा। मैं देश के सारे ड्राइवर्स को सलाम करता हूं और उनका नाम रोशन करूंगा। मैं समझ गई कि मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। कोल्ड कॉफी पियोगे? नहीं हॉट मंगा। एक्सक्यूज मी, दो कॉफी प्लीज। गरीब लड़के ने पैसे वाली लड़की से प्यार किया, यही लोचा है। स्टेट मिनिस्टर राधा कुमारी का तो नाम सुना ही होगा तुम लोगों ने, उसकी सौतेली बेटी है वो। मैंने मैडम से बात कर ली है, वो फ्री हो गई है, बात कर लीजिए। बलदेव सर है मैडम। हेलो। हाँ सुधीर ने बताया था मुझे, हम जरूर आएंगे। ठीक है मैडम। मैडम मीडिया वेट कर रही है। मैडम सुना है राजशेखर जी आपकी ही पार्टी से टिकट लेने की फिराक में हैं। आपको हाँ। नहीं लगता कि उनके सामने आपको टिकट मिलने में दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं, बिना विपक्ष के राजनीति बिल्कुल ही अधूरी है। राजशेखर नायडू के चुनाव क्षेत्र के लोग ही आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या काम किए हैं। अगर वो मुझसे ज्यादा काबिल है तो टिकट उन्हें मिलनी चाहिए, अगर मैं ज्यादा काबिल हूँ टिकट मुझे मिलनी चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? मैडम जी लोगों का ये भी मानना है कि। नमस्ते मैडम। आप कब आए सर? मैं 3 दिनों से आ रहा हूँ, ये लोग आपसे मिलने ही नहीं दे रहे। इडियट, एक शरीफ इंसान को तुम 3 दिन तक परेशान करते रहे, शर्म नहीं आती? लेकिन मैडम आप ही ने तो कहा था। शट अप। आइए सर आइए। उसकी बेटी है, वो तो बॉस के बहुत काम टिकाती है, उसके पास सिर्फ पैसा नहीं है, ऊपर तक पहुंच भी है यार, उसने तो बहुत बड़ा पंगा खड़ा कर दिया होगा। अरे उसके करने से पहले ही मेरी माँ ने कर दिया। ए जितना अपने फोन को देखती है ना उतना तो अपने पति को भी नहीं देखती। शारदा तुझे भी तेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढ लेनी चाहिए, लेकिन वो सुख तुझे नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपने लिए लड़की ढूंढ चुका है। ढूंढ लिया उसने, मेरा काम आसान कर दिया, लेकिन वो लड़की है कौन? और तेरी समधन तो बहुत मशहूर है, हर शौचालय के बाहर उसके पोस्टर चिपके हुए, वही गोरी चिट्टी नेता राधा कुमारी। हाँ? उसी की बेटी को फंसाया तेरे बेटे ने, पूरे मोहल्ले को मालूम है, तुम लोगों को नहीं पता है क्या? वो तो उसे तेरे पीठ पीछे घर भी लाता है। घर पे? हाँ शंकर से बात करेगी तो बोलना सरला ने बताया, मेरा नाम लेगी तो मेरे काम करना बंद कर देगा। ये ले इन साड़ियों की फॉल बेडिंग कर दे। इज्जत की वाट लगा दी। क्या नाम है उसका? किसका नाम? गली की हर बुढ़िया को मालूम है कि तू हमारे पीछे किसी लड़की को घर लाता है। होटल में जाने के पैसे नहीं थे। वही तो, उसके खर्चे तू नहीं उठा पाएगा,
अरे हमारे बजट वाली लड़की ढूंढनी चाहिए थी ना, ऐसे लोगों के लिए तो हम गरीब लोग सिर्फ वोट बैंक हैं। भूल जाइए रिश्ता नहीं हो सकता। जानता हूँ नहीं होगा, इसीलिए तो मैं तब तक रिश्ता नहीं मांगूंगा जब तक भक्कम नोट ना कमा लूं। वैसे उसकी माँ लालची नहीं है, दिलदार है। अच्छा, और तेरी माँ क्या है? कंजूस है। तेरे में तो घर जवाई के गुण आ गए हैं। अच्छा बंटा, है तेरे बाप को भी ये खुशखबरी मिली क्या? और मेरी क्लास लेने की नई वजह भी मिली। सुनिए तूने भाई की करतूत। मैंने सोचा अब तो बाप के लिए वो कुछ करेगा, मेरे कंधों का बोझ बांटेगा, आराम देगा मेरे को। काहे का, तेरे को मालूम है उसको मेरी इतनी सी भी फिक्र नहीं है। हाँ, मेरा दिल तो करता कि उसको, ठीक है गुस्सा नहीं करूंगा मैं, पर बोलना घर की जिम्मेदारी कब उठाएगा वो? आज उठाएगा, कल उठाएगा, या मेरे मरने। छोड़, देखते हैं। ये ले। अरे देखना क्या है? सीरियल वाली कितनी सुंदर है। मैडम खाना मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा। ये लो। लो। प्यार दो, प्यार लो। बाहर इतना बांट रहा है तो थोड़ा सा प्यार माँ बाप को भी दे देना। बाप का घर, बाप का टीवी, बिजली का बिल, केबल का बिल भी बाप ही भरेगा। और वो दबाने वाला आइटम क्या है वो? हाँ वही रिमोट, वो बाप को नहीं मिलेगा। हाँ कभी नहीं। हाँ देख, प्यार से ज्यादा पैसे जरूरी है। दोपहर का खाना खाने को नहीं आता मैं कि कहीं कमाई कम नहीं हो जाए। सस्ते ठेले ढूंढ के रूखा सूखा खाता हूँ आधा पेट, ताकि कुछ पैसे बचा सकूँ। 10 का नोट खर्च करने से पहले 10 बार सोचता हूँ मैं, फिर खर्चता हूँ मैं। बदले में मुझे इतना भी प्यार मिला क्या? ले थाली ले, नहीं खाना मेरे को, ले जा, नहीं खाऊंगा। ठीक है। अरे किधर जा रही है? प्यार से पेट नहीं भरता, समझी? खाने से भरता है। चावल, दाल, धनिया, कड़ी पत्ता, ये सब मैंने ही खरीदा है। अरे तो बैठ के खाओ ना। खाऊंगा ना, काहे को छोड़ूंगा, खाऊंगा खाऊंगा मैं, काहे को छोड़ू, नहीं छोड़ूंगा। ये फोकट का नहीं खाता। हाँ मेरी कमाई है। हाँ मेरी, पानी पानी लाओ, पानी भी मेरा है, मैं से पीऊंगा, मेरा ही, लेकिन इसके सामने नहीं खाऊंगा मैं। आराम से खाना। आराम तो हराम करके रखा है ना। कोलू का बैल समझ के रखा है। क्या बात है, आज खाना इतनी देर से? तुमने खा लिया क्या? अरे पेट भर के खाया। बहू बड़े प्यार से बनाती है और उससे भी ज्यादा प्यार से खिलाती है। उसके हाथों में इतना स्वाद है कि पूछो मत, हर चीज स्वादिष्ट लगती है। किस्मत वाला हूँ मैं जो मुझे इतने जिम्मेदार बेटे बहू मिले। चाचा संभल के। क्या हुआ? उस दिन जहर खिलाएगी ना, वो भी स्वादिष्ट चीज में ही डाल के खिलाएगी। अबे तेरी तो जब देखो मनहूस बातें करता है। कैसा पड़ोसी मिला है मुझे। जलाएगा तो मैं चुप बैठूंगा क्या? क्या बहू पे चक्कर? क्या रे इतना ही सीन हुआ? भाई तेरे माँ बाप तो बहुत शरीफ है। मेरी माँ होती ना तो घर के बर्तन बाप पे फोड़ डालती, पता है। तेरा बाप सामने से मारता तो नहीं है ना? अबे माँ लोग बहुत शाणी होती है, तभी मारती जब वो टल्ली होता है, दूसरे दिन सिर्फ सूजा होता है। किसने मारा किसी को पता ही नहीं होता। बंकस बंद कर। तो फिर बात बिगड़ी कैसे? वो अपनी माँ से मिलवाने की जिद करने लगी। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, बस माँ से एक बार मिल लो। अरे तू कोई प्लॉट है जो मिल के बुक कर दूं? होती भी तो नहीं कर पाता यार, मेरा लोन सैंक्शन होने वाला है, कुछ दिन रुकना। मेरी मम्मी रुकने को तैयार ही नहीं है, लड़के देख रही है। अच्छा दोनों का प्रेशर मैं ही झेलती हूँ, पर तुम जल्दी से हाथ पैर मारो। ठीक है, ये ले आइसक्रीम का। सवाल ही नहीं, तेरे साथ गठबंधन मुश्किल है। उसकी माँ तेरे से मिलेगी तक नहीं, ये अमीर लोग हम जैसे को कहाँ भाव देंगे। हेलो, तुम कहाँ हो? अरे रिक्शा रुकने दे, नहीं तो फाइन लग जाएगा। बोल, मेरी फिर नहीं। कोई तुमसे बात करना चाहता है। किसको बात करनी है? एक मिनट उन्हें फोन देती हूँ। हेलो नमस्ते बेटा। सलाम, मतलब नमस्ते मैडम। राधा कुमारी बोल रही हूँ। हाँ समझ गया था मैडम, संगीता ने मुझे सब कुछ बता दिया। सब कुछ मतलब क्या क्या? बेटा प्यार कोई पाप नहीं। सुनो कल चाय पे मिलने आ जाओ माता पिता के साथ। ठीक है मैडम, आता हूँ। जीते रहो। लो संगीता से बात करो। हेलो, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत ही जोर का लगा, तूने तो अचानक से सीधा मुझ पे बॉम ही फोड़ दिया। चल अभी धंधे का टाइम है, बाद में फोन करता हूँ। ठीक है संभाल कर चलाओ, कल मिलते हैं। आइला, नेता होके ईमानदारी कैसे दिखाई? मुझे भी शक हुआ था, पर लफड़ा किसी अपने नहीं किया। सुन मैं इस बार बीसी उठाने वाला हूँ। बीसी उठाऊंगा। क्यों? हाँ और सुनार को जेवर भी भेज देंगे। वो किस लिए? एक
इकलौता बेटा है, शादी धूमधाम से करेंगे ना। अरे बाप रे, इनकी खोली कितनी बड़ी है। ए, सुन, कर देखा, जितने का होगा उसमें अपनी सात पुश्तें पल जाएंगी। सच में? ए, सुन, गरीब हो पर इज्जतदार हो, अगर अंदर किसी ने मेरे को नीचा दिखाया ना, तो आज पव्वा नहीं अद्धा पीऊंगा और रोड पर हो हल्ला करूंगा मैं। तो तुम यहीं रुको, हाँ चल बेटा चलते। फालतू में धमकियां मत दो, चाहे बात हाँ हो या बात ना हो, तुम तो पियोगे ही। बस आज रोज के कोटे से ज्यादा पीने के लिए थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहे हो। तुम यहीं रुको, हम बात कर लेंगे। चल बेटा चलते हैं। मुझसे होशियारी मत, मैं तो मजाक कर रहा था। चल बेटा चल। मैडम वो आ गए। नमस्ते। अंदर आइए। आइए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए सर, बैठिए बैठिए। सुन, ऐसा लग रहा है कि ये किसी शो की जज है और हम लोग ऑडिशन विडिशन देने आए हैं। मुंह बंद करो। तो शंकर बेटा, तुम क्या करते हो? MBA पूरा कर चुका हूँ। दूसरे का बिजनेस बढ़ाने की जगह खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम पापा का ऑटो चला लेता हूँ। ऑटो टैक्सी खरीदने का प्लान है, उसी की स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। ओह, भगवान तुम्हें कामयाबी दे बेटा। अगर कोई मदद चाहिए तो मुझसे मांग लेना। लोन अप्लाई कर चुका हूँ, वो सैंक्शन हो जाएगा। थैंक यू। तुम जैसे खुददार नौजवानों पे बहुत नाज होता है। इस देश को तुम जैसे लड़कों की जरूरत है। लेकिन ये प्यार का क्या चक्कर है? तो बोलना। देखिए, बच्चे हैं, हो गया। आप कहेंगे तो हम इसे रोक देंगे, मगर मगर इसे कुछ करिएगा मत बहन जी। इसे मना कर देंगे, ये नहीं मिलेगा उससे। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा जानते हैं। मैं बस चाहती हूँ ये हमेशा खुश रहे। मैडम आप कहाँ और हम कहाँ, तो हमें लगा आपको एतराज होगा। मैडम आप चिंता मत करना, आपकी बेटी राज करेगी, उसे रानी की तरह रखेंगे हम। बिल्कुल, अगर वो हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहेगी तो दोनों अलग रह सकते हैं। हम दोनों रोना धोना नहीं मचाएंगे। सही कहा ना जी। जैसा बहू रानी चाहे। मैडम अभी तक लड़की के बारे में सिर्फ सुना ही है, देखा नहीं है, तो इसलिए अगर उसकी मुंह दिखाई करा दो तो। हाँ, वो अपने कमरे में इतना शर्मा रही है कि निकल ही नहीं रही। मैं बुलाती हूँ। मैं उसे बुला कर लाऊं क्या? मैं जाती हूँ जी। जी जी जरूर जाइए। यही कमरा होगा। संगीता, संगीता हमें अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखाओ बेटा, इतने दिनों से तारीफ सुन रहे हैं इसलिए आए हैं। कौन है? अरे मैं हूँ बेटा, शंकर की माँ। क्या चाहिए? क्या चाहिए का क्या मतलब? यहाँ तुम दोनों की शादी की बात करने आए हैं, कुछ हुआ है क्या? अकल ठिकाने आ गई है, इतने जिद्दी और अखड़ आदमी के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती मैं। ये क्या बोल रही है? तू तो बोला कि शादी की बात करने बुलाया है। संगीता, संगीता मजाक की हद होती है। माँ खड़ी है, दरवाजा खोलो। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। तो मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों? दरवाजा खोल। चिल्ला मत बेटा। यही हरकतें मुझे पसंद नहीं है। तुम जैसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी गुस्से में आकर बीवियों पर हाथ उठाते हैं। निकलो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बाहर आओ हम बात करते हैं ना। जो आदमी माँ से काम करवाता है और खुद दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करता है, वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी क्या निभाएगा? बेटा शादी के बाद सब जिम्मेदार हो जाते हैं। खुद तो आज तक हुए नहीं तो तुम्हारा बेटा कैसे हो जाएगा? तुम मजदूर और ड्राइवर तबके के लोग कभी नहीं सुधरते। गरीबी का रोना रोके दिन निकालना और रात को बीवी की जान खाना तुम्हारा शौक है। बीवी की खुशियाँ रोने वाले को। श्याणी, क्या बकवास करे जा रही है? मेरे पति को तू जानती है क्या? मेरा पति जेब से गरीब है पर दिल से तुम सबसे अमीर है। बोलने तो मुझे। आप बहस जीत सकती हो लेकिन अपने हारे हुए पति और बेटे को नहीं जिता सकती। अरे बहुत अच्छा हुआ जो दरवाजा नहीं खोला, अब तो सूरत भी देखने का मन नहीं है। चल बेटा, हमने पैसा नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। इस लड़की के लिए इज्जत मत गवार, चल यहाँ से। शांत हो जा। कैसे शांत रहूँ? तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बक रही है, इतनी बदतमीज लड़की को बहू बनाऊंगी मैं। दरवाजा खोल, खोल, तुझे तो मैं आज, खोल, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। एक्सक्यूज मी, ऐसे बर्ताव करके उसे सही साबित मत करो। मेरी जरा भी इज्जत है तो अभी जाओ, मैं उससे बात करके तुम्हें कॉल करती हूँ। संगीता, बेटा इन बेचारों को बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? तेरे कान किसने भर दिए हैं? माँ जितनी दिल की अच्छी है, बेटी जुबान की उतनी कड़वी। हाँ तो सही बोल रही है, लेकिन बेटे का भी सोच।
उससे बात करने दे, तू रिक्शा में जाके बैठ जा। ओ, लेकिन तुम अंदर मत जाना। अरे नहीं जाऊंगा, सुन ही नहीं रहे मेरी बात। अरे नहीं जाऊंगा बाबा, तू बैठ। ठीक है, हाँ बैठ। हे बाबा रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? एक बात बता, उसने जो बोला वो गलत है क्या? घर की जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा पाया ना, और शायद एक अच्छा बाप भी नहीं बन पाया। तो बचपन में मुझसे जो भी मांगता था उसे खरीदने के पैसे नहीं होते थे मेरे पास, जैसे बैग से लेकर कंपस बॉक्स तक सब सेकेंड हैंड लाता था मैं। जब भी तू कोई खिलौना मांगता था ना तो तुझे पढ़ाई का लेक्चर दे के अपनी कमी छुपाता था मैं। स्कूल दूर था तो तूने साइकिल मांगी, कर्जे में था कैसे दिलाता। सच बोलूं तो मैंने आज तक तुझे कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन आज मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। बाप हूं मैं तेरा। सुन, मैंने ना तेरी आंखों में सच्चा प्यार देखा है। तू संगीता के बिना नहीं जी पाएगा, वो तो तेरी जान है। हमें तो बस तेरी खुशी चाहिए। तू बस 5 मिनट रुक, मैं उस लड़की को जाके मनाता हूँ, और जरूरत पड़ी तो मैं उसके पैर भी पकड़ लूंगा। तू 5 मिनट रुक, मैं आया। आप कहीं नहीं जाओगे, मेरे लिए आपकी इज्जत लड़की से बढ़कर। लेकिन बेटा वो चलो यहाँ से, ठंडे दिमाग से। छे, ये लड़की तो बहुत ही बेकार निकली यार। घर बुला के माँ बाप को जलील किया, हद पार कर दी इस लड़की ने। ए, सुन ना भाई, भुकम, भुकम। उसकी बात क्या हुआ? अबे तेरी स्लीपिंग अगली, सबको मामू बना के बातें सुन रहा था। मैं तो कब का उठ गया था, पर वो भालू के बेस में जो इंसान है ना, मेरे को उठते ही मारना शुरू कर देता था, इसलिए आंख बंद करके पड़ा हुआ था। और तेरे को शर्म नहीं आती? तेरी चट्टी क्या बास मार रही है, ऐसा लग रहा है नाक में गटर खुल गया। तू भाई आगे की स्टोरी बताओ ना। सुसु करने दो, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। आज कुछ वैरायटी होना मांगता भाई। बहुत मजा आने वाला है। ए पापड़, हाँ इधर। तू हाथ वॉशिंग नहीं करता है क्या? अबे हाथ के हर हफ्ते नहाता हूँ, तेरे माफिक नहीं। इसके पापड़ के स्वाद का राज आज पता चला। ऐसा लगता है लड़की से धोखा खाना एक ऐसी गुमनाम रसम है जिसके बिना हम सब लड़कों को मुक्ति नहीं मिलेगी। इस सजा का मजा हम सब ने झेला, अब तेरी बारी है, मजे से झेल ले। लड़की के नाद में पड़ के हम कितना टाइम खोटी करते हैं, और वो खुद का टाइम बचाने के लिए एक सेकंड में रिश्ता तोड़ देती है, उसके बाद जुदाई का गम भुलाने के लिए सुट्टा या दारू पीना शुरू करके वाट लगा लेते, घर को गेस्ट हाउस समझ के सोने के लिए वापरते। 6 महीने के बाद फुल सेंटी होके बोलते हैं, जहाँ रहे अपनी महबूबा खुश रहे, और फिर उसके 9 महीने बाद उसका खिलखिलाता पोश देख के फटे तकलीफ होती है, पर घुटन को छिपाने के लिए अपन लाइक का बटन दबा देते हैं। फिर साल भर के बाद एक दिन जब दिल दिमाग की लड़ाई बंद होती है और माँ अपने को नाश्ता देती है ना, तब उसका चेहरा देख के सोचते हैं, अबे दिन रात जिसके लिए तड़पता रहा उसने तो कभी अपनाया ही, और जो हर हाल में अपनाती है उसकी कभी कदर ही नहीं की। माँ बाप से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता भाई, यही सच है। ए फावड़े जल्दी आने, जाने सबके लिए खंबे लाने। इधर ला बे। भाई बोलो, गला गीला करोगे ना? कब से दिल कर रहा है पर बोलने को शर्मा रहा था। तो उसमें शर्माने का क्या भाई, खंबे के साथ बैंड वाले को भी ला, पार्टी करेंगे। अपना भाई के लिए एक शर्ट लाना, और इस भाई के लिए बनियान भी। ए, जो पहना है वो भी उतार लूंगा, हद में रहे। अबे कैसा फ्रेंड हो यार, उस दिन के बाद वो कभी मिली नहीं क्या वापस? मिलने का मौका ही नहीं मिला, उसका फोन बंद, दोस्तों से मिलना बंद, बाहर आना जाना बंद, मेरी सब्र का मीटर बंद हुआ और डायरेक्ट उसके घर पहुंच गया। ए ब्रेक मार, ब्रेक मार, हैंड ब्रेक। क्या हाल है? ए पीछे, पीछे फोन करूंगी बोल के भगाया और किया नहीं। तमीज से बात कर, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, सामने से हट। सुना नहीं तूने, आखिर अपनी औकात दिखाई दी। सेल में अच्छे कपड़े खरीदने से खानदानी नहीं बन जाता कोई, सड़क छाप ऑटो वाला। मुझे तो शक है तुझे संगीता नहीं उसका पैसा चाहिए, साला रास्कल। ए मैडम, मेरे को जो बोलना है बोल लो, लेकिन काम पर मत जाना। हम गरीब लोग अगर नहीं होते तो तुम अमीरों के सारे काम रुक जाए। चल निकल यहाँ से, छोड़ जा रहा। जल्दी हटाओ इसे सामने से। चल निकल यहाँ से।
अब ये कोई बात होती है क्या? हर किसी को पैसों से तोलते हैं। जीने के लिए पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए होता है भाई। तेरे को कौन बोला? भाई बोला। ये सब बातें फिल्मी है, लड़की सेट करने से पहले कमाई सेट करना ही चाहिए। प्यार से पेट भरता तो होटलों में खाना नहीं पप्पियां झप्पियां परोसते, बिल राशन भाड़ा भरने के बाद घूमने का पैसा नहीं बचा ना तो बीवी से प्यार नहीं सिर्फ ताने मिलेंगे। किसी सहेली का पति अमीर निकला तो मन में उससे तेरी बराबरी करेगी, प्यार से कैसे हराएगा उसे। सही बोला। ना प्यार कम होना चाहिए ना पैसा, समझे? मेरे को भी देना। देते ना पकड़। ए सुनो, अगर इसको ज्यादा चढ़बड़ गई ना तो इधर भूकंप आ जाएगा। लाचार आशिक पिएगा नहीं तो और क्या करेगा? तुम्हारी मर्जी, पर एक बात याद रखो, ये होश में जितना अच्छा है नशे में उतना ही डेंजर है। अरे छोड़ना, ये लो भाई। मेरे को भी देना। मन को एकदम हल्का कर लो भाई और प्लेन के माफिक इसको टेक ऑफ करने दो। अबे कितना ज्यादा पी लिया यार, फुल धमाल है यार। भाई तुम इंसान ने हीरा हो हीरा। मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, वो छोकरी को अगवा करके लाऊंगा और उससे माफी मंगवाऊंगा। चलो भाई लोग। अबे ओए ब्राइड के ग्रूम, अबे भूल गया क्या हमने तुझे अगवा कर रखा? तू क्या किसी को अगवा करेगा बे? एकदम बराबर बोला। जाके बैठ बे और कोई से नींबू चढ़ाओ रे। अभी कोई नहीं बोलेगा। अरे भाई तूने दर्द बर्दाश्त कैसे किया? भाई इसने कैसे बर्दाश्त किया ये तो मालूम नहीं, लेकिन इसके माँ बाप ने इसको कैसे बर्दाश्त किया ये पूछो। खाना लगा दूँ क्या? नहीं भूख नहीं है। ए तू घर में पी के आया है? देख बेटा ये पीना तुझे शोभा नहीं देता, छोड़ दे इसे। अरे पीना किसको शोभा देता है माँ, क्या बोल रही है? इकलौता है इसलिए चुप रहती हूँ। अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का। अब तू भी मेरे साथ प्यार में सौदेबाजी करेगी? दोस्त की पार्टी में फ्री की थी तो गटक गया। डर मत, तेरा बेटा बेवड़ा बन के किसी गटर में नहीं गिरने वाला। ए तुझे मैं ही गटर में फेंक दूंगी, दोबारा पी तो। क्या है, नाइट मार के आया हूँ, चैन से सोने देना मेरे को। लाल साहब पी के घर आए हैं। भगवान जैसा बीज वैसा पौधा। सच्ची में पिया है क्या? पूछो इससे। ए, क्या पी क्या यार, ठर्रा देसी या विदेशी? अरे तू चुप कर। वेलकम टू द क्लब बेटा। रुको रुको रुको, सुन बेटा कभी भी 5 पैक से ज्यादा मत मार। ये क्या सुधारेंगे इसे? याद रख बीवी और दारू इनको सर मत चढ़ाना, शाम होते ही बुलाएंगे। आ किसके पास जाएगा तू? बस करो। अरे तू रुकना तो क्यों रही है? समझा रहे हो या बिगाड़ रहे हो? मैं बिगड़ी हुई औलाद को समझा रहा हूँ। अरे ये दुख में पी रहा है, जल्दी छोड़ देगा। तेरी परवरिश को दारू के 2 घूंट मिटा नहीं सकते। उससे बहुत प्यार करता है। अजी जाओ, फ्री की काम वाली चाहिए ना, इसीलिए प्यार दिखा रहे हो। कैसी बात कर रही है तू? ए बैलेंस बना के रखने का इज्जत का सवाल है। छोड़ मुझे। बात तो सुन। अरे सुनना, तेरे लिए मैंने रैप लिखा है। मुझे नहीं सुनना। सुनाऊं क्या? ए चल सुना। सुबह हो या शाम करती रहे वो काम, कहती जो करना है कर पर बदनामी से डर। करती सिलाई न मांगती मेरी कमाई, सैकड़ों बार चूल्हे पे उंगलियां चलाई, दरवाजा खोलने के लिए नींदे गवाई, गम के बदले सिर्फ खुशियां देती है। चाहे जितना तंग कर लो हमारी आंखें भरने पर वो भी रो देती है। असर जब दवा न करे तो नजर उतारती, दुनिया में एक माँ ही तो है जो कभी नहीं हारती। दोस्त जमाने के लिए अपना किया नहीं गिनाती, पेट औरतों की इज्जत करे इसलिए बातें सुनाते।
ममता की राह में उसे कोई भी रुकावट कभी भी रुका नहीं सकती। कोई औलाद ममता की कीमत कभी चुका नहीं सकती। काश तेरी ही औलाद बनकर लूं मैं वापस जन्म, क्योंकि तेरे बिना ये जिंदगी लगेगी बड़ी कम। जबरदस्त राप चेक। ए, बाप पे रैप लिखा ना, मतलब एक दो लाइन भी चलेगी चलेगी अपने को। आप पर तो मैंने गाना लिखा है, गाकर सुना। ओ मेरे फुकरे बाप। अबे नालायक कामचोर औलाद, कुछ तो शर्म कर। जाओ मेरे बच्चे को सो लेने दो, जाओ यहाँ से। बाप के लिए दो झूठ मूठ की लाइन बोल के सुना देता तो क्या जाता इसका। हट माँ का चमचा। ए भगवान, सो रहा है, कुछ खाएगा नहीं क्या? क्या भाई, नसीब वाले हो जो पीकर घर आने पर प्यार मिला। भाई जब पीकर घर गया था ना, तो माँ ने मुझे देखते ही झाड़ू उठा ली और मुझे इतना धोया कि आज तक मुझे वो दिन याद होते ही दर्द होने चालू हो जाता है। तो फिर आगे क्या हुआ, तूने दारू छोड़ दी क्या? ए समुद्री कीड़े, फ्लाइट छूट रही है क्या तेरी? तेरी तो ये फटका। अरे पकाता है साला। भाई तू रुक मत, सुना तेरे एफडी पक रहा हूँ यार। पिक्चर देखने चलेगा? पॉपकॉर्न बहुत महंगा है। पत्ते खेलेगा? पैसा नहीं है। गार्डन चले? तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा छोड़, दारू पिएगा? क्या मैं तुझे ना बोल सकता हूँ? हेलो हाँ सुन, जल्दी से पैराडाइज बार आ जा और जेब में चकना छुपा कर लाना। तेरे को चश्मा लगे? चश्मे के डब्बे में सिगरेट? अब क्या बोलूं यार, डब्बा छुपाने के चक्कर में सब साला दब जाता है और अंदर का सुट्टा खराब हो जाता है, लेकिन चश्मे के डब्बे में सुट्टा भी सेफ और कड़क और किसी को शक भी नहीं होता कि अंदर क्या है। ऊपर से बार वाला हर सिगरेट के यहाँ 2 रुपए ज्यादा लेते हैं, तो मैं बाहर से ही लेके आ गया। एफडी तेरे को एक बात बोलूं, तू शक्ल से जितना चिंदी लगता है उससे कम नहीं ज्यादा है। टेबल नंबर 22। चीयर्स। अबे आराम से यार, सीने में अंगार लग जाएगा। वो संगीता अभी तक यही है, उस अंगार में उसकी सारी यादों को चला डालूंगा। क्या रे तुम लोग शुरू भी हो गए? चले आ गया फोकटिया। देख तू पीता नहीं है इसलिए बैठे बैठे सारा का सारा चखना खा जाता है। हमारा चखना मत छूना, कुछ खाना है तो खुद ऑर्डर कर ले। ठीक है करता हूँ। ए छोटू कोल्ड ड्रिंक ले क्या? ठीक है साहब। अरे माँ भी ना। अरे भाई तेरी मम्मी का फोन आएंगे। मेरे को भी क्या, उठा मत। अरे आंटी चैन से थोड़ी ना पीने देंगे। ए फोन पे गाना लगा थोड़ा। यार आंटी, अरे हम लोग थिएटर में आएंगे। ठीक है आंटी। क्या हुआ? चल निकलते। अरे जल्दी चलना। अबे अभी तो मूड बना है, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। अबे मूड बाद में बनाना, अभी चल मेरे साथ, बोल रहा हूँ ना। अरे यार चल, ओए तेरे पास भाई के ना। हाँ, तो चल जग्गू बिल देता हूँ तुझे। हाँ ठीक है साहब। भाई ये तो दारू की बेइज्जती हो गई। अरे खज्जू, इधर टेंशन हो रही, अम्मी का फोन काई को आया बोल के और तेरे को पीने पाने की पड़ी है। हेलो भाई, फिर क्या हुआ? आ गए आप, वक्त मिल गया आपको। भाई अचानक बापू लुढ़क गए, क्या हुआ था भाई? अबे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस दिमाग में बुरे ख्याल आ रहे थे। बापू बिल्कुल ठीक है। अरे यार दुखी क्यों हो रहे हो? इसलिए क्योंकि मेरा बाप मरा नहीं, जिंदा था। अरे नहीं ऐसा नहीं है भाई, वो आप भी ना कुछ भी सोचते हो भाई। तुझे कब से फोन कर रही थी मैं, फोन क्यों नहीं उठाया तूने मेरा? जरा देख इन्हें, कितनी बार मना किया, चादर से मुंह ढक के मत सो, दम घुट जाएगा। देखना इनको कितने लापरवाह हैं, टाइम पे खाना नहीं खाया, चक्कर खा के सड़क पे गिर पड़े। बोल बोल के थक गए कि घर आ जाया करो खाना खाने के लिए, लेकिन नहीं, बाहर का तलन खा खा के इनका हाजमा खराब हो गया है। तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे सोचा है?
एक दुकान पर फ्री के पकोड़े ट्राई करवा रहे थे, मैंने 20-30 खा लिए, फिर अचानक गैस हुई और बेहोश हो गया। माँ, यूरिन का सैंपल चाहिए था टेस्ट के लिए। अच्छा क्या बताऊँ आपको सिस्टर, सुबह से कुछ भी नहीं पिया है, अब बिना कुछ पिए सुसु का सैंपल कैसे दे सकता हूँ? पानी पीते रहिए, हो जाएगा। पानी में मिला के कुछ पीऊँ क्या? सिस्टर हम सब मिलके करेंगे तो जल्दी आ जाएगी क्या? हे भगवान, बाप बीमार है और ये सिस्टर से मस्करी कर रहा है, कब अक्कल आएगी इसमें? हॉस्पिटल का बिल आने दो, सब सीरियस हो जाएंगे। बेटा डॉक्टर खून देने को बोल रहा था, देखना। इनको समझाओ हमारा सर और पकोड़े खाने के बजाय सलाद और फल भी खाया करें। पहले कभी खून दिया है? हाँ, 1 साल पहले दिया था। पिछले 14 घंटों में तुमने शराब पी थी क्या? अभी भी पी हुई है। क्या नशे में खून देना अलाउड नहीं है? नौकरी और मरीज दोनों खतरे में डाल दोगे, अक्कल नहीं है क्या? तूने 350 का चकना ऑर्डर किया था क्या? तेरा बाप भरेगा? ये आदमी पी के खून दे रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। शर्म नहीं आती है? हॉस्पिटल में पीकर खून देने आते हो तुम लोग? ब्लड डोनर ये नहीं, मैं हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेट जाओ। आप बोले तो ट्रेन की पटरी पर भी लेट जाऊंगा। अरे आप रहने दीजिए ना, मैं करता हूँ। तुमने भी पिया है क्या? अरे नहीं, मैं ये सब नहीं करता। तुम अपना ब्लड ग्रुप बताओ। ओ पॉजिटिव, आपको जितना लीटर चाहिए ले जाइए। तुम्हारा नाम? FD। और तुम्हारा नाम? कावेरी। ये स्पॉन्ज दबाते रहो। वैसे तुम्हारी शादी हो गई क्या? दिन भर तो लोगों का खून चूस कर थक जाती होगी ना तुम। यहाँ कितनी गर्मी हो रही है ना, AC डलवाओ ना। बस हो गया क्या? अरे ये तो चीटिंग है, निकालते बड़ी जल्दी हो और चढ़ाते बूंद बूंद करके। वैसे मेरे पास खून के अलावा और भी चीज है, मकान है, दुकान है, बिटकॉइन भी ले रखा मैंने। एक चम्मच खून और निकाला ना तो ताकत का इंजेक्शन ठोकना पड़ेगा, चल जा। कुर्सी वाली हाथ गाड़ी चला रहा है, चला चला। अरे अंकल आपके अंदर अब मेरा खून है, मैं अंदर की बातें भी सुन सकता हूँ। देवा मैं भी। अंकल पहले से थोड़ा आराम मिला? तेरा खून चढ़ाने के बाद शरीर में अलग ही जवानी आ गई है। शुक्रिया। शुक्रिया बोल के प्लीज मेरे बड़े बलिदान को छोटा मत करो अंकल। तो कब निकलने वाले हो यहाँ से? किधर बेटा? आपने कहा था ना जब मैं अच्छा काम करूंगा तो आप सांप की तरह रेंगते हुए मंदिर जाएंगे, तो बताइए ना कब निकलने वाले हैं? अब मुझे कहीं नहीं जाना है बेटा, मैं सीधा घर जाऊंगा, चलेगा साथ में? तो गाली की जगह कुछ और खिलाओगे तो जरूर चलूंगा। घूर क्यों रहे हो अंकल? तूने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, पर इसका एहसान जताना मत कभी भी, क्योंकि तेरे खून की एक एक बूंद का कर्ज मैं तुझसे माफ करा के लूंगा। हर शुक्रवार तेरे को रिक्शा में एक राउंड दे दूंगा। वाह वाह, भाग खुल गए मेरे, रिक्शा में राउंड। नंगे जो तेरे को लुक्का गिनती में रखा उसको भी खून दिया, मान गया तेरे को? मैं तो बस अपनी दोस्ती निभा रहा था। वाह सच्चा दोस्त है तू। इधर आना, अभी तू मुझे मारेगा तो नहीं ना? नहीं रे, बप्पी दूंगा तेरे को, साथ में जादू की जप्पी। जो हो गया सो हो गया, अपन अपनी दोस्त है यार। ये कब से लड़ रहे थे, ये क्या नया टाइम पास है रे? अरे भाई तुमको क्या मालूम कल क्या हुआ था? उल्लू का पट्टा कायर है साले, तू एक तो पीछे से वार करता और खुद को बड़ा गुंडा समझता है, तू डरपोक साला, फट्टू है ये फट्टू, साला पीछे से वार करता है। भाई अंकल अपना ख्याल तो रखते हैं ना? उनका सीधा हिसाब किताब, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। इलो माई। ठीक है माई, हो गया। ए 10 रुपए वापस कर। अरे सब्जी उतने में ही थी माई। ए वो मुझे नहीं पता, 10 रुपए वापस कर, कुछ भी भाव लगा रहा है तू। अरे माँ 10 रुपए के लिए उसकी जान लोगी क्या? भैया तुम ही समझाओ ना माई को। ए वो बाद में समझा देगा, पहले 10 रुपए लौटा, दिन दहाड़े लूट मचा के रखी है। 10 रुपए का नुकसान हो गया। कैसा नुकसान रे, गाँव में महल है तुम्हारा, हम भाड़े पे रहते हैं। ये क्या जेवर संभाला नहीं, पर उसका बटुआ जेवर से भी ज्यादा संभाल के रखा है। वो छोड़, ये बता 3 दिन से घर में क्यों बैठा है, पैसे नहीं है क्या तेरे पास? तो बोला क्यों नहीं है? ये एक बात बता,
मैं जो पाई पाई करके पूरे महीने पैसे बचाती हूँ, तू एक घंटे में उसे खर्च कैसे कर लेता है? माँ, ये पैसा बचाना हम लोग को नहीं आता। अगर गलती से बच गया तो वापस कर दूंगा। तुझसे मांगा क्या मैंने? चल बाबू। क्या मांगता है मैन? प्लेट देना कड़क तल के। ओके बॉस। छोटे टुकड़े डाले तो तेरे टुकड़े कर दूंगा। मजा आ जाएगा मैन, खाओ। ला 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 ला। सुखेला नहीं, हरा भरा नींबू दे रहे हैं, जिसको दबाते ही पुचुक से रस निकले। अभी जल्दी खा, जल्दी जल्दी। हे माँ, फिर तलन खा रहे, रंगे हाथ पकड़ ले। दोपहर का खाना खाने को नहीं आता मैं, कि कहीं कमाई कम नहीं हो जाए। सस्ते ठेले ढूंढ के रूखा सूखा खाता हूँ आधा पेट, ताकि कुछ पैसे बचा सकूं। 10 का नोट खर्च करने से पहले 10 बार सोचता हूँ मैं, फिर खर्चता हूँ मैं। वो तुम्हें पकौड़े पसंद है ना, तेरे लिए पार्सल लेने को रुक गया। ये बाधा क्या? पार्सल का? पार्सल कब लेता है मैन? तुम तो रोज दुकान पर ही खाता है ना साले झिंगुर, खा के देखना। घर आओ, खिलाती हूँ तुम्हें। चल बेटा। नींबू निचोड़ दो अंकल, ये लो मस्त नींबू निचोड़ लो। अबे रख अपने पास, तूने तो मेरी जिंदगी से खुशी ही निचोड़ ली। भाग साले, नहीं चाहिए। अल्टीमेट फैमिली है भाई तुम्हारी, हंस हंस के पेट कच्चा हो गया। लेकिन भाई उनका अच्छे से ख्याल रखते ना तुम? ख्याल? और ये तो प्यार के गम में डूबा हुआ है। और तो और, इसकी माँ इसका सारा गुस्सा आके मुझ पर निकालती है, जैसे मैंने इसे बचपन से बिगाड़ा। ये तो शरीफ की औलाद है ना। सूरत ही ऐसी है तुम्हारी, क्या करेंगे। ओ सॉरी, गलती से सच निकल गया। पता नहीं कहाँ चला गया। आना पड़ेगा, खत्म हो गया ये। किस नालायक को पता होगा। ए चिंटू, शंकर फोन नहीं उठा रहा है, कहाँ है वो? मुझे क्या पता आंटी। ए, तेरे जिगरी दोस्त के बारे में तुझे नहीं पता? तूने ही बिगाड़ा है उसे। मैंने कैसे बिगाड़ा? कहीं नहीं मिल रहा है वो, जरूर तूने ही कोई जगह दे दी होगी। ज्यादा पी ली होगी, उधर ही पड़ा होगा। 2 दिन से घर नहीं आया है वो। हाँ, मेरे घर पर ही है। उसे फुटपाथ पर छोड़ देता क्या मैं? उसका पीछा छोड़ मेरे बाप, एहसान कर मुझ पर, तभी वो कुछ बन पाएगा। गांव से आके खुद तो धंधा डाल के कमाई का इंतजाम कर लिया, उसकी तरह बेरोजगार नहीं है ना तू? समझाता क्यों नहीं उसे, अपने टाइम पास के लिए दोस्त बना हुआ है। गांव वाले अपने बच्चे शहर में भेजकर हमारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। क्या आंटी, आप मेरे माँ बाप पे सवाल उठा रही हैं? वापस बुलाते हैं तुझे। गलत काम आपका बेटा करे और आप बिल मुझ पर फाड़ोगी? आज के बाद आपके बेटे के साथ दिखाना तो चप्पल से मारना मुझे। चप्पल गंदी हो जाएगी मेरी। अपने बेटे के साथ कभी दुकान पर भी मत आना। नहीं आऊंगी, बस उसे तेरे चंगुल से छुड़ा लूं। यार किधर है वो? अंदर ही पड़ा है। बहुत नाटक हो गया। अबे उठ जा, इस कमरे को तंदूर बना के रोटी की तरह खटिया से क्या चिपका हुआ है? अबे तेरी चड्डियों के पर्दे से उजाला नहीं आता तो सुस्ती आ जाती है। ए, इतना भेजा चलाते तो सुधरता क्यों नहीं? तू तेरी माँ के मुझे सुना के गई। दिल टूटे दोस्त के लिए डांट तक नहीं खा सकता तू। डांटा नहीं, इज्जत उतार दी मेरी। क्या बोली? जो नहीं बोलना चाहिए था वो सब। मैं तो तेरी लाइफ का विलेन हूँ ना, देख बे, अपना तेरी दोस्ती चाहिए ना तेरी माँ की दुश्मनी। तू जा यहाँ से। ऐसा क्या बोल दी? मुझे उस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है, तू बस मेरी खोली पे दिखना नहीं। चल फूट यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। अब समझा मैं, किसी और को यहाँ लाने गए इसलिए मेरे को खोली देकर यहाँ से फुटा रहा है तू? सच में माँ मिलती तो उसे यहाँ पर नहीं लाता क्या? सब खत्म। ये तेरी चप्पल भी नहीं चाहिए ले, तूने खिलाया भी था ना, वो भी वापस करता हूँ। रुक, अरे क्या कर रहा है ये? अभी नहीं निकल रहा, सुबह के तेरे को पूरा निकाल के दे दूंगा। ये चार्जर मेरा है। कहाँ जाएगा ठंडे दिमाग से सोच। छोड़ छोड़ मुझे। अबे भड़क मत। अबे एफडी नशे में उसको खरी खोटी काय को सुनाया? अबे मालूम है ना सटकू है, माँ का गुस्सा उस पे काय को निकाला बे। अच्छा, और उसकी माँ ने क्या किया? अपने बेटे का गुस्सा मुझ पे निकाला। अबे बच्चे को माँ से ज्यादा दोस्त समझते हैं, तूने तो उसको लावारिस बना दिया। अबे मुझको दोस्ती मत सिखा तू। उसकी जेब में नोट डाला मैंने 2000 का। है। एफडी के घर से मैं डायरेक्ट खंबा मारने बाहर चला गया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही थी। संगीता मन से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। जहां देखूं जिसे देखूं बस वही दिख रही है। कभी सड़कों की ठोकर खाई मैंने तो कभी बीच रास्ते लेट जाता। हेलो, किधर है तू?
जिस उपभोक्ता को आपने कॉल किया उसके साथ सारे नाते आप तोड़ चुके हैं, कृपया कभी फोन ना करें। हेलो, फिर ब्रिज के ऊपर बैठे बैठे एक A1 पुलिस वाला मिला मुझे। ए, इतनी रात गए सड़क पे बैठ के क्या कर रहा है? साहब जा ही रहा था, मैं जा रहा था। ऐसे जाएगा? ये एरिया डेंजर है, चिल्लर के लिए भी गला काट के फेंक देंगे, मरने का ही क्या? अपना पता पता छोड़ दूंगा। अरे डर मत, पुलिस वाला हूँ, आजा बैठ। मैं चला जाऊंगा साहब, आप लाकअप की हवा खिलाओ क्या? चांदपति कर रहा है ये मदेबाज। पुलिस वाला ससुराल ले गया क्या? मस्त खातिरदारी की होगी, फटके पड़े होंगे। खातिरदारी दुखी पर जेल में नहीं, कहीं और। चल बैठ बैठ साहब। साहब ये पुलिस स्टेशन की जगह घर पर लेकर काय को आए? क्योंकि अच्छे पुलिस वाले की नजर एक्सरे मशीन होती है, सामने मुजरिम बैठा है निर्दोष बैठा है ये देखते ही समझ जाता हूँ। जब ही तेरा एक्सरे निकाला तो तू अच्छे घर का छोकरा लगा, लेकिन थोड़ा सा बहक गया है। तेरे जैसे छोकरे लोग को जरूरत है बस सही रास्ता दिखाने की। चल जाके नहा धो ले, अंदर मेरी अलमारी है उसमें जो कपड़ा चाहिए वो निकाल के पहन ले, जा बेटे लाल। साहब पीने का शौक रखता है क्या? साहब शौक तो बड़े लोगों का होता है, अपनी तो वो जरूरत है। रुलाएगा क्या? ये ले पी। थैंक यू साहब। मेंशन नॉट। साहब इतनी मेहरबानी किस लिए? पहले थोड़ी चढ़ा ले, फिर जो पूछना पूछ लेना बाबा, पी ले नहीं तो गर्म हो जाएगी। ठीक है साहब। बगल में एक किताब रखी है उसको उठा, उसका नाम है किस्मत का खेल, पेज नंबर 150 खोल के देख, अच्छी दिखती है ना? हाँ साहब बहुत। इसी थोबड़े से प्यार हुआ था लेकिन शादी के कुछ साल बाद। भाभी जी चल बसी क्या? हाँ चली भी बसी भी, बीवी ने मलाई कोफ्ता बनाया था, वो एक खास दोस्त को खिलाया तो वो भी उसका फैन हो गया, बोला जब भी भाभी अच्छा खाना बना मेरे को बुलाना। मैं हर बार उसको बुलाने लगा, वो आता रहा खाता रहा और एक दिन मेरी सुंदर बीवी को लेके भाग गया। अरे यार सॉरी साहब। प्यार के छीन जाने का दुख कभी कम नहीं होता है दोस्त। बिल्कुल सही कहा साहब। देख ले भाई, गर्लफ्रेंड बीवी लव मैरिज अरेंज मैरिज कुछ भी हो, सदमा लगना है तो लगेगा ही। छे बेचारा इंस्पेक्टर यार। बेचारा? बाप रे साला अजीब ही नमूना था। बेटा लाल गम को धुआं में उड़ाना है, तेरे बाजू में एक किताब पड़ी है उसको देख। कौन सी? वही किस्मत का खेल। उसका पान नंबर याद है क्या? नहीं सर। पान नंबर 150, प्यार से खोल उसको, चिकनी दिखती है ना? हाँ साहब बहुत अच्छी है। इसी थोबड़े से प्यार हुआ था पर शादी के कुछ साल बाद ही। अब क्या हुआ सर? रोज रोज कुछ नया होगा क्या? कल ही तो तेरे को मैंने अपना दुखड़ा सुनाया और आज भूल गया? चल रिवाइंड करता हूँ। बीबी ने मलाई कोफ्ता बनाया, वो एक खास दोस्त को खिलाया तो वो भी उसका फैन हो गया, मेरे को बोला भाभी अच्छा खाना बनाएगी तो मेरे को बुलाना। मैं येड़ा उसको हर बार बुलाता था, वो आता रहा मजे से खाता रहा और एक दिन मेरी बीवी को लेके ही भाग गया। गलत है, आपके साथ बहुत गलत हुआ साहब। उससे भी बड़ा दुख बताओ। बताओ ना साहब। दूध लाने वाला मैं और उससे बनी मलाई वो लेके गया, पूरी मलाई ले गया। बेटा अबे यार, किस्मत का खेल किताब उठा ली, पेज नंबर 150 खोल लिया, लड़की अच्छी दिखती है। उसके बाद बीवी ने मलाई कोफ्ता बनाया था, वो दोस्त को भाया, बार बार आपने वो खिलाने के लिए उस खजूर को घर पे बुलाया और एक दिन उसी ने आपकी बीवी को बाप का माल समझ के आप ही के घर से भगाया। फिर क्या हुआ? दूध लाने वाले आप और उससे बनी मलाई सारी वो ले गया। साहब मैंने आपका क्या बिगाड़ा? दिमाग का दही बनाना बंद कर दो ना साहब। ऐसे लोग ना अपना रोना सुना के सामने वाले को दुख भुला देते हैं। इंस्पेक्टर ने भेजे की भूजी बना। असल में इंस्पेक्टर बुरा आदमी नहीं था। आज की महफिल के लिए जल्दी तैयार हो गया? हाँ तेरा माल मैं लेके आया हूँ, और थोड़ा रुक जा, एकदम करेक्ट 9 बजे मूड बनाते तो मूड ऑफ मत कर। साहब ना मेरे को तुम्हारी पीनी है ना कहानी सुननी है ना यार, रहना मेरे को माफ करो। तो क्या करेगा, अपने घर को जाएगा? हाँ साहब जम नहीं रहा मेरे को इधर। अच्छा
मेरा घिसा पिटा टुकड़ा तू 3 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उससे थक गया। लेकिन जो तू पिछले 1 साल से अपनी गर्लफ्रेंड का टुकड़ा रो रहा है, उस घिसी पिटी बात को माँ बाप दोस्त कैसे बर्दाश्त करते होंगे? खुद की तकलीफ दिख रही है उनके नहीं दिखती? हाँ, या तेरे को लगता है तेरा दुख बड़ा है बाकी सबका झिंगूर है? हाँ, हर इंसान ने तेरी उम्र में प्यार खोया है या धोखा खाया है। भगवान ने खाली तेरे को दिल दिया है, हम लोग कैसे चलते हैं बैटरी पे? अबे सुन, आम आदमी लोग सुबह काम पे जाके मेहनत करते हैं और शाम होने पे बाटली खोलते हैं, और तू सुबह दारू से गरारे करता है, सुबह भी बाटली शाम को भी बाटली, ऐसा कोई पीता है? हा? अच्छा इंस्पेक्टर तेरे को घर भेजना चाहता था। फिर ये घर लौटा भी, तब लगा कि सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। इसके आने की खबर सुनते मैं तो खुशी से झूम कर दौड़ता हुआ इसके घर भी पहुंचा। तू बाहर क्या कर रहे है रे? ए सुनना, अंदर आ। अपने बेटे को बिगाड़ने वाले को क्यों बुलाएं? ध्यान रखो उसका, मुझसे दूर रखो वरना और बिगड़ जाएगा। अच्छा मैंने डांटा था इसलिए नाराज है? तेरी माँ तुझे डांटती तो ऐसे ही बोलता तू? मैंने आपको अपनी माँ की तरह ही समझा था, लेकिन आप तो सौतेली माँ बन गई। क्या? मैं आपके लिए भाग भाग के धनिया लाया करता था, फिर भी मुझे इतना डांटा। मैं अपने दोस्त को क्यों गलत बात सिखाऊंगा? और तूने क्या कहा, आइंदा मेरी दुकान पे मत आना? बेटा 2 कड़ी की दुकान है तेरी, आधा सामान तो एक्सपायर्ड बेचता है। चल जाने दे, माफी मांगती हूँ, अंदर आ जा अब। अरे हाथ छोड़ के शर्मिंदा मत करो ना आंटी। हा? बस अपने हाथ का हलवा खिला दो, माफ कर दूंगा आपको। मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर उसको देखो ना, उधार लेके मैंने उसे इतना ही खिलाया पिलाया, मुझे अवॉइड करेंगे। फोन करता हूँ तो काट देता है, कभी उठाता ही नहीं है। आप बोलो ऐसे दोस्ती निभाते हैं क्या? हे भगवान, उससे शिकायत कर, अंदर चल। ए शंकर, मुंह सुजा के खड़ा है बाहर। ए चल अभी भाव मत खा, अंदर आ जा, चलना आना। छोड़ना, मैं भी कब से बुला रही हूँ, ठीक काम वाले की तरह जगह से हिल तक नहीं रहा, अंदर आ। नाश्ता खिलाओगे तो अंदर आऊंगा। ठीक है। वैसे आंटी नाश्ते में बनाया क्या? क्यों भुक्कड़, तुझे तो कुछ नहीं खाना था ना? चलो और एक्टर। हेलो क्या हुआ? क्या रे, अभी तक तू घर नहीं आया? अरे घर आके क्या करना है, बोलिए ना काम क्या है। हमेशा टाइम पास करता रहता है। मेरे को आपसे बात ही नहीं करने का है, फोन रखो। मेरा बाप था, आप बोलो आगे क्या हुआ। बाप से ऐसे बर्ताव करता है? अबे बाप से क्या, सबसे ऐसे ही बात करता है, अपन का स्टाइल है, बदलेगा क्या? अरे बाप को सबकी कैटेगरी में नहीं डालने का, मैं भी ये गलती किया था, बाप का मतलब जानता है। छोड़ना भाई, पैदा करके सिर्फ जब देखो तभी खाली हुक्म चलाते वो लोग, ऊपर से 4 के सामने गाली भी देते। माँ लोग की मेहनत देखो, दिन रात बच्चों के पीछे घुलती रहती है। बाप लोग को सिर्फ पौवा चाहिए, बीवी बच्चे नहीं। तेरा बाप वैसा होगा लेकिन सारे बाप वैसे नहीं होते, एक अच्छे बाप को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अच्छा मान लो तुमने ट्रेन की टिकट खरीदी, अब वो ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है जिसमें तुम्हें जाना है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? मैं सही प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ कि नहीं पहले वो चेक करूंगा। जो बोगी नंबर मिला वो चेक करूंगा। अपना सीट ढूंढ के सामान रख देगा। अपुन देखेगा संडास साफ है कि नहीं। मैं देखेगा कि बगल में कोई लड़की बैठेली है कि नहीं। अपुन वड़ा पाव और चाय वाले को ढूंढेगा। उसके बाद जब अपना स्टेशन आएगा तब उतर जाएगा, क्या बोलता है? हमने 1000 चीजें देखी लेकिन क्या किसी ने रेलवे की पटरी को देखा? माँ एक ट्रेन है और बाप ट्रेन का रेलवे ट्रैक, और हम बच्चे उसके सवारी। हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए बाप पटरी की तरह अपनी हड्डियां घिस देता है, लेकिन हमें सिर्फ माँ की पड़ी है, बाप को किसी की कदर ही नहीं। पता है एक बाप घर वालों के लिए किन किन हालातों का सामना करता है? शंकर, ये आंटी के मायके जाते ही अंकल को पार्टी करने का भूत क्यों चढ़ जाता है भाई? क्या पता, मैंने तो कल ही छोड़ दी। अच्छा चल, वो आ रहे। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, आज जाम टकराएंगे। ग्लास धो के ला रे। अब ग्लास तू भरेगा या मैं वेटर बन जाऊं? टिप देना पड़ेगा। ये तीनों के 3 ग्लास। बेटा तुझे कितना कुछ कहने का मन करता है मेरा, पर 2 घड़ी बैठ के कभी मेरी सुनता ही नहीं है तू। इतनी जल्दी चढ़ गई क्या? बोलने देना बेटा। हाँ बोलो। शिक्षा के नाम पे सिर्फ एक ही चीज सीख पाया, ऑटो चलाना। उसे ही आमदनी का जरिया बना लिया, तब से लेकर आज तक मन मारता रहा, तकलीफें सहता रहा, पर हार नहीं मानी। तेरी माँ को सलाम है, तू पैदा हुआ फिर तेरी बहन हुई, जिंदगी एकदम सही चल रही थी अपनी, सपने के माफिक सुखी रोटियों से पूरियों तक आ गए थे। तेरी माँ ने
घर को स्वर्ग बना दिया था। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने मेरी खुशियां छीन ली। मेरी बच्ची, उसे अपने पास बुला लिया। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान, मेरी फूल सी बेटी थी, उस दिन से मेरी और तेरी माँ की हर खुशी तुझसे शुरू और तुझ पे खत्म। तुझे पढ़ाने का सपना देखा, बड़ा आदमी बनाने का। बरसों पहले इसकी माँ ने बोला कि सुनो, मेरे लिए एक सस्ती सी पतली सी सोने की चेन बना दो ना। उसके लिए मैंने 4 घंटा रिक्शा एक्स्ट्रा चलाया, बीसी चालू की चेन के पैसे जमा किए। एक दिन बोला चल सुनार के पास चेन लेने, चलना। तो बोली पहले अपने लिए खुद का रिक्शा खरीदिए, भाड़े पे रिक्शा बहुत चला लिया, अब अपना चलाओ। तो मैंने रिक्शा ले लिया। मेरे लिए उसने अपनी इच्छा मार दी, पर मैं जिद पे अड़ा। फिर कड़ी मेहनत की, बीसी चालू की और पैसा जमा किया, ले गया सुनार की दुकान पे और बोला जो चैन चाहिए ले ले तू। पता उसने क्या किया? बोली मेरा बेटा पड़ोस में झांक झांक के टीवी देखता है, आप टीवी लो, वो घर में देखेगा। तब टीवी महंगे थे, अभी जैसे झोपड़े में होते हैं ना, वैसे नहीं था, लोन में भी नहीं मिलता था, फिर भी तेरे लिए खरीदा था। टीवी टीवी टीवी, बच्चे के लिए टीवी खरीदवाया उसने। फिर अपनी चेन की इच्छा मार दी, दूसरी बार मार दी, पर मैं अड़ा रहा, चेन तो दिला के रहूंगा। फिर से पैसा जमा किया, उसको सुनार के सामने खड़ा कर दिया, पर वो कहने लगी रोज मेरा बेटा कॉलेज पैदल जाता है, अगर ये चेन ले ली तो मुझे गले की जंजीर जैसी लगेगी। फिर उन्हीं पैसों से इसके लिए बाइक बुक कराई मैंने। बोल, दिलाई थी ना बाइक, दिलाई थी ना, शुरू से कुर्बानी देती जा रही है, देती जा रही, वो भी हंसते हुए। शादी करने के बाद मुझे सुधारने में उसने जिंदगी लगा दी, और अब अपनी बच्ची बच्ची कुछ ही जिंदगी बेटे को सुधारने में लगी हुई है। तू अपनी माँ से कितना प्यार करता है मालूम नहीं, पर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, जान से भी ज्यादा, कसम से। जब तक जिंदा हूँ ना, तेरी हर बात मानूंगा मैं, जो भी कहेगा। दुख को तेरे पास भी नहीं आने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। पर कल को अगर मैं मर जाऊं तो तू माँ से कोई काम मत करवाना बेटा, उसे बिठा के खिला देना, ये एहसान कर देना। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, माँ से घरों के बर्तन मत मंजवाना, इतना कमा लेना कि माँ का ख्याल रख सके तू। उसने हमारे पीछे जिंदगी लगा दी, सब कुछ हम पे लुटा दिया, उसको संभालना, ध्यान रखना अपनी माँ का, संभालना उसे। माँ बाप खुद को ना मशीन बना लेते हैं सिर्फ बच्चों को बड़ा करने के लिए। हम ये बात अभी नहीं समझ पाएंगे, जब खुद माँ बाप बनेंगे तब समझेंगे। बिल्कुल सही बोले भाई। हेलो बाबा। हाँ बोल, क्या बात है? थोड़ा काम में बिजी था इसलिए आपसे ठीक से बात नहीं कर पाया। आपने खाना खाया क्या? ऐसे ही फोन किया था ना? तेरे लिए मालपुआ लाया था, तेरी माँ बोली तू घर पे नहीं है, कब तक आएगा पूछने के लिए फोन किया था, नालायक कहीं का। वो अपन अपने दोस्तों के साथ था बाबा। ठीक है, फिर उनको भी साथ लेकर आ जा। अरे नहीं बाबा, बहुत सारे दोस्त लोग एक साथ हैं। अरे मैं पूरी दुकान उठा लाऊंगा, तेरे लिए इतना नहीं कर सकता। अरे नहीं बाबा, आप अपना खाना खा लो, मैं निकलते ही फोन करता हूँ। जैसी तेरी मर्जी। दिल को सुकून मिला ना, सारा बोझ हल्का हो गया होगा। बिल्कुल हल्का हो गया भाई। हाँ बोलो ना, फटाफट ऑफिस में आ जा। ठीक है भाई, 20 मिनट में पहुंचता है। आ जल्दी। हाँ, अभी आया। शंकर तू इधर ही रुक, 1 घंटे का काम है, निपटा के आता हूँ। अपन सब शाम को जलसा करेंगे, तू भी साथ चल रहे। हाँ? तुम लोग जाना माता, सब लोग यहीं रुकना। चल चल, उसके बाद निकलेंगे। हाँ ठीक है। ये किसका गाड़ी उठा के लाया अभी? सेठ का ही है रे। अरे क्या रे, तुम दोनों एक साथ? अपना जोड़ी फिर से बन गया। जोड़ी तोड़ा ना, आइंदा जुड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। सुन रे, वो मनीष सेठ के लड़के को किसी ने उठा लिया है। अपने ही छोकरे उठाए। दिमाग सटक गया क्या? वो सेठ का माथा गरम है, शरबत पिला के ठंडा किया उसको, तोड़ उसके बेटे को। अरे ये सब छोड़ दो ना भाई, हम पर आपसे कुछ और काम था हमें। वो हमारी MLA मैडम की बेटी है ना, वो संगीता, दिल तोड़ी अपन के दोस्त का, समझाओ ना उसको कुछ। वो छपरी ऑटो वाला तेरा दोस्त है क्या? छपरी नहीं है भाई,
हीरा है वो और अपना जिगरी भी है। भाई आपको मालूम है वो लड़की कितनी बड़ी खिलाड़ी है, पैसे वाली है तो गरीब के दिल से खेलेगी क्या? अबे बच्ची को बदनाम क्यों कर रहा है, उसको बचपन से जानता हूँ, नेक और साफ दिल की है वो। उसकी माँ बहुत छानी है, बोलती कुछ है और करती कुछ है, वो असली गेमर है। और वो उसकी सगी बेटी नहीं है, गोद लिया है उसे। मैडम आइए, मीडिया बाहर वेट कर रही है। अच्छा मैडम, आपके टीचर ललित आज फिर से यहाँ पर आए हैं और बेटी की शादी के लिए मदद चाहते हैं। उसे थोड़ा इंतजार करना, मैंने तो यूं ही कहा था कि कुछ चाहिए तो मांग लेना, ये तो गले ही पड़ गया। इन गरीब मिडिल क्लास लोगों को भोला मत समझना, जरा सी उंगली दो तो सीधे कंधे पर बैठने लगते हैं। आज बेटी की शादी के लिए मांग रहा है, कल को जब बच्चे होंगे तो मांगेगा। पहले जाल बिछाऊंगी और फिर जाकर उसकी मदद करूंगी ताकि गांव का हर शख्स मुझे वोट दे। मीडिया के सामने ढोंग कर दिया, अंदर कुछ और है। इलेक्शन में लफड़ा ना हो इसलिए ऑटो वाले के सामने ड्रामा किया। संगीता, ये ऑटो वाले का क्या चक्कर है? कौन ऑटो वाला माँ? सब जानते हुए भी अनजान मत बन। गाड़ी वाले मर गए थे जो तूने एक ऑटो वाले को चुना। छोड़ दे उसे, इलेक्शन सर पे है और इसीलिए मेरे हाथ बंधे हुए, वरना उसकी जिंदगी का मीटर अभी डाउन कर देती। क्यों? अब भी करो ना, क्यों नहीं करती? आप उसे कमजोर और अकेला समझ रही हो, पर आपको उसकी ताकत पता है? वो ऑटो वाला है, उसके पीछे पूरी यूनियन है। और ऐसी औरत जो अपनी बेटी की नहीं हुई वो पूरे देश की क्या होगी? थूकती हूँ मैं लोगों के आंसुओं से बने ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी और इस घर पर। संगीता अपनी जबान को लगाम दो, अपने कमरे में जाओ। अरे उसने तो बेटी तक को राजनीति के लिए गोद लिया है। बरसों पहले वो जिस एरिया में इलेक्शन के लिए खड़ी होने वाली थी, उसी एरिया की एक अनाथ लड़की को गोद लेकर उसने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। माँ की फितरत जानते हुए भी उसकी चाल समझ नहीं पाई वो, और उसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया कि सुन के हम टपोरी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। माँ, माँ ये क्या कर रही हो? मैं अगर राजनीति के लिए एक लड़की को गोद ले सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर उस ऑटो वाले से दोबारा मिलने की कोशिश की ना तो तुम दोनों को जान से मार डालूंगी। इन बेचारों को बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? किसने तेरे कान भर दिए बेटा? आपने जो कहा मैंने कर दिया, अब और टॉर्चर मत करो माँ। अबे तब से घर के अंदर बंद है वो, बेचारी घुट घुट कर जी रही है। अरे क्या भाई, आपको ये सब मालूम है फिर भी आप चुप बैठे हो? अबे मैं तो क्या, उस पर हाथ डालने के लिए बड़े बड़े डॉन भी डरते हैं। वो तो दोनों की लाइफ के साथ खेल के खुद मजे कर रही है। आपको धंधे की कसम, लड़की से मिलवा दो भाई। ये तू बीच का बंदर क्यों बन रहा है रे? उसकी ताकत का तेरे को अंदाजा नहीं है। वो ऑटो वाला खुशकिस्मत है जो इलेक्शन आ रहे है, वरना उसको भी काट डालती। अब जब बुरे काम करने से अपन कभी डरे नहीं भाई, तो फिर नेक काम करने के लिए अपन को नहीं डरना चाहिए। वैसे भी जिस ताकत के दम पे वो चल रही है वो अपन ही है ना। हम गरीब लोगों के सपोर्ट के बिना उसकी कोई औकात नहीं है। और नहीं तो क्या, बहुत दब लिया इन लोगों से, अब इन लोगों को दबाने का टाइम आ गया भाई। रुक सेटिंग करता हूं। किधर है रे तू? मैडम, मैडम हम कॉलेज से आए हैं। कौन हो तुम? कॉलेज से आए हैं, कॉलेज से। खिड़की खोलिए ना। देखिए डरिए मत, हम दोनों ना शंकर के दोस्त हैं। इधर तुम्हारा ये हाल है और उधर वो भी बंजारों की तरह भटक रहा है। तुमने उसको सच क्यों नहीं बता दिया? अगर उसे पता चलता कि मेरे साथ क्या हुआ है तो वो बवाल मचा देता, पागलों की तरह सबसे लड़ पड़ता। जब उस औरत ने मुझे नहीं बख्शा तो न जाने शंकर के साथ क्या करती। हलवा है क्या, शंकर अकेला नहीं है, हम है ना उसके साथ। अरे तुमने बेवफाई का इतना नाटक किया फिर भी वो तुमसे बहुत प्यार करता है, सच्चा आशिक है। हे फोन निकालो, इसे सुमड़ी में छुपा के रखने का, ठीक है? एक घंटे में तुम्हें फोन करेंगे, पर ध्यान रहे फोन छुपा के रखना। चल रहे, कॉल आएगा। अबे पूरा गेम उसकी वो सौतेली माँ ने खेला है, सारा स्टोरी सुनकर आए रे हम। हेलो
रास्कल, ले जाओ मुझे यहां से अपने साथ। आ रहा हूं मैं, और इस बार मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। उस राधा कुमारी की तो बहुत सहलिया, जल्दी आ जाओ। देख शंकर, अपने सारे पंटर लोग तेरे साथ हैं। भाभी को उठा के लेके आते हैं, और अगर हम लोग कम पड़े ना तो भाई लोग के सारे छोकरे बुला लेंगे। शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम कमीनों ने मेरी शादी का तो फाचड़ कर दिया, पर इसकी शादी धूमधाम से करेंगे, समझे? शादी के लिए जो चाहिए मिलेगा, बस आवाज करो। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन का जोड़ा, बोले तो राज सिमरन जैसा। कर दी ना छोटी सी बात, डिजाइनर ड्रेस बनाने वाला शोरूम है मेरा, इसलिए मेरी तरफ से सबको कपड़े भी, ठीक है? छोटे से डिजाइनर पगड़ी चाहिए मेरे लिए, रेजर। रेजर चाहिए? हाँ। अरे फटका, उसको रेजर नहीं ब्लेजर बोलते हैं। अच्छा मेरे को ना 3 सूट चाहिए। मेरे को भी सूट चाहिए, लेकिन सूट में पैंट में ना नाड़ा मांगता है, समझ गया ना? ओ सेठ, मेरे को सिल्क की शर्ट और एक धोती। अपना क्या है, हैदराबादी स्पेशल? मेरे को बिना बाजू वाला जैकेट। पहले मुंह से जमीन और दीवारों पे पेंटिंग करना बंद कर, तेरे जैकेट में सोने का दाना मिलेगा। अबे नंगे, शादी में भी नंगा रहेगा क्या? मैं, मेरे पास कपड़े तो बहुत हैं, बस मुझे एक चड्डी दिला देना यार। भाई तुझे एक नहीं 80 दिलवाऊंगा पक्का, क्योंकि मेरे को मालूम वो कितना बास मारता है। तेरे लिए दुकान से क्या मंगवाऊं रे? हेलो, मेरा बात ध्यान से सुन। तो आदमी चाहिए ना? हाँ बोल भाई। ये प्यार का मामला है, समझ गया भाई। अपने पंटर लोग को इकट्ठा कर। हेलो। अबे ए, चल भाई बाइक रेडी कर। चल रहे, भाई ने बुलाया है। चल भाई, अपनी इज्जत पर आ गया अभी। चल रहे, शंकर भाई को मदद चाहिए। आज दोपहर 2 बजे का मुहूर्त अच्छा मैंने पता कर लिया है। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी सौतेली बेटी संगीता की शादी शंकर के साथ होने वाली है। लड़की वाले जास्ती टेढ़े हैं, इसलिए बारात में एक से बढ़कर एक कमीने आशीर्वाद देने आ रहे हैं। दुल्हन को मायके में जो सुख नहीं मिला वो ससुराल में 100% मिलेगा। ये जबान देता है बड़वा रास्कल। शुद्धा ब्रह्मरूपा पावयंती जगत्त्रायं चाभिरब्धे शिलां स्नाप्य स्थापयामि शुभे स्थले।
तू हमेशा अपनी औकात भूल जाता है। ये नारी सब पे भारी पड़ेगी। तुझे क्या लगा ये बिकाऊ गुंडे बस तू ही खरीद सकता है? मुझसे जीतने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। सासू माँ के मेहमान है, इनकी खातिरदारी दामाद खुद करेगा। भारत मेरी जन्मभूमि है और मेरी इज्जत ही मेरी ताकत है। मैच चल रहा है जिसकी बाउंड्री ऑटो रिक्शा से बनाई हुई है। कहाँ है वो? रंगल आंटी हट पे झिंगुर, आ जाओ, आओ आओ आओ। हाय मेरा बेटा, राजा लग रहा है ले ना? अपने बहू से मिल। अरे मेरी बच्ची, शंकर को बचाने के लिए तूने अपनी सारी खुशियों का खुद गला घोट दिया। तू तो उससे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है बेटा। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अरे बातें मत कर वरना इसकी माँ आके फिर बाल कुतरने लगेगी। ठीक है चलो चलो, खड़े हो जाओ। ए फूल फेंक रहे। अरे रुको, पहले पंडित जी को तो आने दो। पर पंडित जी ऐसे क्यों आ रहे हैं, गोदी में चढ़ के क्यों? ये सब गुंडे लोग है ना, इनका स्टाइल हो। ना मैंने मुझे इस आदमी की शादी नहीं करवानी है। अरे दूल्हा ये क्या नहीं है तो हट सामने से। शादी किसकी करनी है? देखो ये
अच्छा कैसी शादी करनी है? ऐसी शादी कराऊंगा कि 300 साल तक टूटेगी नहीं। ए हारला, हारला, हारला। ला, ये ले बेटा। ये लो हार और ठीक से पहनो, बहुत बढ़िया। तुम भी पहनो। हाँ बहुत बढ़िया। ए छोटू थाली लेकर आ, इधर आजा 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 आजा। मंगलसूत्र दूल्हे को दे। तू क्यों इतना सजा हुआ है? अरे इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। अरे थोड़ा चावल तो दे। ये कौन सा चावल है? बासमती लेकर आ। चलो मंत्र पढ़ना शुरू करता हूँ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अरे देख क्या रहे हो, पहना दो वरना दो बार शादी हो जाएगी। हाँ शिव गौरी का नाम लेकर मंगल सूत्र पहना दो। अब्दुल्हा मेरे साथ कसम खाएगा, आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएगा और अपनी बीवी को हमेशा घुमाने ले जाएगा और पराई नारी की डीपी को जूम करके बिल्कुल नहीं देखेगा। अब आखिरी प्रक्रिया, और से वहाँ देखो और बताओ कि क्या तुम्हें अरुंधति तारा दिख रहा है? दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है? वहाँ बस एक बिल्डिंग है और कुछ भी नहीं है। और हाँ, शादी से पहले तुम्हें बहुत सारे दोस्तों ने खंबा गिफ्ट किया होगा, उन सबको नाली में बहा दो। बेटा कुछ भी हो जाए, तुम्हें सुख दुख में हमेशा इसका साथ देना है, वरना ये बिगड़ जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। शंकर पुरुष। और तुम्हारा? संगीता। ये जोड़ी तो भगवान ने स्वयं बनाई है, किस्मत में दो बच्चे हैं। एक मिनट, ये फोटो वाले इधर आ, जल्दी फोटो खींच।